अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड, दिस इज अम्मा टीवी और मैं। आज हम वापस आ चुके हैं खास जश्न बहार एपिसोड के साथ, जो हम लोग मना रहे हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि अम्मा ने आज पहन लिया है एक गुलाबी रंग की साड़ी। साड़ी में क्यों पाई? क्यों पाई? क्योंकि हमारे सेल में मिल गई। कुत्तिया सेल चीज बाद क्या मिली? मैं ये कह रही हूँ कि बाद ना बच्चे ना नए आए ना, जो उन्होंने मुझे साड़ी में नहीं देखा था, जो उन्होंने देखा था पिछले साल में बारह मन की दो बंजर लग रही थी। मैंने जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी, शो में पहनी, अब भी फिर शो में ही पहन रही हूँ आप बच्चों के प्यार में। क्या बात है। तो मैंने कहा वो जब फिर मुझे सेल में मिल गई, मैंने कहा बच्चे बेचारे कह रहे, कई बच्चे कहते भाई अम्मा आपको साड़ी में देखना, मैं कहा सेल से मिलती भाई 50% ऑफ में मिल गई, मैं कहा चल पा लेंगे बच्चे भी खुश हो जाएंगे साड़ी देख। अम्मा आज बिल्कुल किसी साउथ इंडियन फिल्म की लग रही हीरोइन है ना? जी नहीं, एयर होस्टेस लग रही पई हां, एयर होस्टेस हैं जी देंदे ना। मैं इतनी चीप साड़ी किसी एयर होस्टेस नहीं होती, लाउड सी जो फिल्म होती कुछ अयो की कर रहा हूँ मुझे। अच्छा, बोलते हैं के। मैं एकदम वो आ गई याद, विद्या बालन की फिल्म नहीं सी डर्टी पिक्चर पता नहीं क्यों अम्मा वो कैसे याद आ गया आपको? वो भी तो मोटी सी फैट शेमिंग अम्मा मैं भी वो तो मोटी सी, मैं तो चुन चुना नहीं मम्मा, वो आपसे ज्यादा मोटी थी बल्कि। अच्छा हाँ नहीं नहीं वो था रोल की डिमांड थी ना। हाँ खैर एनी हाउ हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, बहुत ही मजेदार। आज जिद्दी ते मैं कहनी हां, मैं नहीं पता तां कि जिद्दी लगे, मैं बहुत खुश हूं आज जिद्दी बहुत मजेदार। लो जी लास्ट वीक के शो को भी लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, सो बहुत-बहुत शुक्रिया। शो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, लोगों के सवाल, लोगों के कुछ कंसर्न्स, कुछ लोग आपका टेक जानना चाह रहे हैं, तो शुरू करते हैं विद अम्मास टेक। अम्मा स्टेक में आए बहुत से सवालात, तो पहले मैं कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ जो बहुत से लोगों ने कमेंट किए। पहले काफ़ी से लोगों ने ये कमेंट किया कि अम्मा जो महारा खान का बस के ऊपर बैठने वाला सीन था उसके ऊपर आपने बात नहीं की, आपका क्या ख्याल उस सीन के बारे में? बस के ऊपर बैठने वाला सीन बहुत बेटा, मैं ये कहती हूँ कि जैसे कई कई छोटी छोटी ऐसी तरह की बातें होती हैं जिनके ड्रामे को ड्रामे के तौर पर ना, हाँ तो मुझे नहीं चीज़ का लगा कि वो अगर बस के ऊपर बैठ गई है तो। और क्या पता वो बहुत ही दिखाई है कि तालीम की बहुत ज्यादा, वो दिखाई बड़ी सिंपल सी है ना, कि उसे अपनी पढ़ाई से आगे कोई चीज़ नहीं है, तो उसे लगा कि मतलब राखिया तो बैठ गई, हालांकि पता नहीं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा आपने जान दी बहुत ही ईवल, बहुत ही भयानक किस्म की नानियाँ एग्जिस्ट करती हैं, हालांकि मैं खुद पर हैरान हूँ लोगों के कमेंट पढ़ के, मैंने आज तक एक भी ईविल नानी देखी आसपास भी, पता नहीं बेटा मैं की करा ना, मेरे बच्चे ने देखी ना मैं देखी, मैं अपने फैमिली में क्या मैंने मैंने देखी नहीं, मैंने देखी यही है। हमारी फैमिली में ना कुछ बहुत ही खतरनाक खबरें, मेरी मेरी अम्मी सुनाती थी कहावत, एक मेरी अम्मी कहती थी कि नानी ने ना अपने नमाज़े को गोद, मेरी अम्मी सुनाती हैं कि अपनी अम्मी के जमाने की बात, कि नानी ने गोदी में नमाज़े को उठाया हुआ पोते की उंगली पकड़ी हुई थी, तो एक कुत्ता आया तो नमाज़े ने कहा पकड़ ले मेरी मतलब इसकी टांग नानी की, यानी वो ये फिर भी नानियाँ जो हैं नमाज़ों से ही प्यार करती हैं। कहानी का मतलब क्या था? मतलब ऐसे कर नमाज़ा जलील कहता वैसे कुत्तिया बढ़ रहा है मेरी नानी दिलातों ये तो नमाज़े की बगैरती था, नमाज़े की बगैरती दिखाती, पर फिर दिखाई नहीं है कि नानियाँ फिर भी, ये मैं कह रही हूँ कि अजल से यही सुनते आ रहे हैं कि नानियाँ नमाज़ों से प्यार करती हैं, होंगी ईवल बच्चे कहते झूठा तो कहना होंगे चड़ेलां असी नहीं देखी। मैं कहता हमारे खानदान में बहुत कुछ खतरनाक खवातीन है, लेकिन नानी के तौर पे नानी के तौर पे अच्छी होता ना एक शेर जो कैसे करो उस तरह, तो मैंने कहा नानी तो हमेशा प्यार ही करती जो हमने देखा। खैर इसके अलावा लोगों ने अम्मा आपको एक अपडेट देना चाहिए, वो ये है कि दक्षी का घर अब बदल चुका है, आपने कुछ एपिसोड्स मिस कर दिए तो जाओ क्या कह रहे थे, तो मैं देखना शुरू किया, मैं तो छड़ता सी। अच्छा इन्होंने कहा कि पहली सी मोहब्बत मैंने पता घर बदल गया। उसके अलावा आपने लास्ट वीक टेलीफिल्म्स की रिकमेंडेशन मांगी थी ना आपने, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी टेलीफिल्म रिकमेंड की, कुल मिला के सभी रिकमेंड हो गई हैं, तो आपको सभी देखनी पड़ेंगी। एक कमेंट से मुझे बेस्ट लगा, उसने कहा कोई ना देखें कोई इस काबिल नहीं है, मैं सबके दिल खुश किया था तो लेकिन सबने सभी रिकमेंड किए हैं वैसे। अब मैं कुछ कमेंट्स लेके पढ़ूंगा, नाम लेके, कुछ लोगों के सवाल हैं जो कुछ कंसर्न्स हैं जो। सबसे पहले अम्मा मैं कमेंट पढ़ता हूँ जी वनीजाज आइलैंड का, उन्होंने कहा कि अम्मा एयरवे का ड्रामा आंगन है,
उन्होंने अभी देखा, उन्होंने ब्रश को पसंद किया, आपका क्या टेक है उस ड्रामे के ऊपर? हाय हाय हाय, ये मीशा बिसी कवि वगैरह समीना मत मनशा सॉरी वही वाला ना, ओए होए बेस्ट, बहुत शानदार ड्रामा था, बिल्कुल ऐसे जैसे आम जिंदगी की कहानी नहीं है, बहुत अच्छा था। इसके अलावा नीजा अनवर ने कहा है, अम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे सपोर्टिंग एक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको सलीम मिराज की एक्टिंग कैसी लगी पहली से मोहब्बत में? शाबाशी बेटा, मैं तेरे कमेंट तो मेरा मुक्का मारन दा दिल कीता बेटा, बजाय प्यार चुम्मी देन दे, मैं तारीफ तो की थी, खेद है तुसी मेरा फिर की रिव्यू, मैंने सलीम राज की तारीफ ही की थी जो पिछली वाली एपिसोड में। अच्छा ये कमेंट तो किसने मेरे दिल की बात कह दी? अयो लो तेरा दिलियां गला बड़ी खतरनाक। नहीं नहीं चल रह गई थी बात अम्मा। अच्छा ये है कि ये है रत्नम डूबे ने कमेंट किया है, वो कहती है अम्मा लापता की फर्स्ट एपिसोड का आपने इस पे डिस्कस नहीं किया सीन पे। गेती कहती है हमारे, गेती की माँ कहती है हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ कि हम अच्छे आलू खरीद सकें, और साथ ही गेती थोड़ी देर बाद बोलती है मेरे अब्बा की चार दुकानें हैं, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, इनमें से कौन सी बात सच है, ये गरीब हैं कि अमीर हैं? बेटा राइटर में आपको पता मैं तंग की दसा? अच्छा कुछ नहीं पता, राइटिंग बहुत अच्छा। इसके अलावा कमेंट आया एडी की तरफ से, उन्होंने कहा अम्मा आप बताइए जो मावरा एहसन का ड्रामा आ रहा है उसमें नमाज का बेटा भी है, डायरेक्टर भी ज़ुबाइश वाला है, तो क्या आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। क्यों? पर नहीं ये ड्रामा बहुत अच्छा होगा, मजे का लग रहा है अभी तो। हाँ। जो प्रोमोस वगैरह आए हैं। हाँ। अच्छा एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा, जैनब ने कहा, जैनब ने बहुत तारीफ की आपकी, उन्होंने कहा कि मोमिन जो कहते हैं ना कि अम्मा के रिव्यू को दो सेक्शन में कि अम्मा थोड़ा रोस्ट मजाक कर रही हैं थोड़ा, और ये रिव्यू है बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है, हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं, बट उन्हें बहुत से मसले भी होते हैं और अम्मा उन मसलों को सिर्फ उठाती हैं, तो कीप अप द गुड वर्क अम्मा, आपकी तारीफ की जैनब ने। और इसी के साथ हमारा अम्मा स्टेक और फीडबैक का सिलसिला ख़त्म होता है। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ रहा होता हूँ, अम्मा को बता रहा हूँ, अब सभी को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम सब पढ़ने बैठ गए तो। बेटा ऐसा सवाल के पूछा करो जो मैं जीत जाऊँ फिर मम्मी मुझे इनाम देंगे। वो बाय द लास्ट वीक अम्मा को इनाम मिल गया था, अम्मा का चीज़ वाली डिश बहुत इस तरह का कुछ पूछा करना फिर मम्मी से, और फुली मिली थी अम्मा को। अब हम पता कभी ऐसे भी कर सकते हैं, खाली हम एक वीडियो सिर्फ कमेंट्स से कभी कर दें कि जो लोग सवाल पूछें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, अब सभी को इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर खैर आप फिर भी हैशटैग अम्मा स्टेक हैशटैग फीडबैक कॉर्नर के साथ अपने सवालात अपने कंसर्न्स को शेयर करते रहें और हम इनको शो में शामिल करते रहेंगे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। शो की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, फिर बच्चों ने अक्सर कहना अम्मा हमने पकड़ लिया, मेरे कान में कोई कांटा है। क्या मतलब? मेरे कांटे फुल कीमती सी है वाले। दूसरा कहाँ गया? एक कांटा तेरे कमरे जी गवाच गया लब्बा ही मुड़ के। हो। तो मैं एक कांटा ही पा रहा आज। मेरे सूट ना मिलता पे। नजर आ रहा तू सेट पे वैसे? आवे ना आवे मैं महत पा लिया। यार एनी हाउ इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डंक के साथ जिसकी लास्ट एपिसोड लगी, तो ग्रैंड फिनाले डंक का अम्मा कैसा लगा आपको? मैं और इससे पहले आप कुछ बोलो मैं ये भी कह दूं कि बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि अम्मा आप भंगड़ा डालती हो आपके दी बाकी सब आप ही देखो सब खुद ही देखो, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा डिटेल में बात करें थोड़ा तबसरा करें, तो आज अब लास्ट एपिसोड है तो आप खुल के जरा डिटेल में बात करना। मैं डिटेल नहीं गल कर रही हूं, मुझे डंक ड्रामे की लास्ट एपिसोड इतनी अच्छी नहीं लगी, वो भी बेचारे थे डंक वाले, तो मैं इन्ना तरस आया पूरी टीम से जो उन्होंने मिट्टी पलीत की गई है मुआशरे ने ना पटता ड्रामे का। अब मैं वजाहत कर दूं, सारे अपने कानों की मैल निकाल के मेरा ये बयान सुन लें, हर मामले में लड़के गलत नहीं होते लड़कियां भी होती हैं। आपकी तलाक के लिए अर्ज है, इसमें जो बच्ची अमल है वो बच्ची चुड़ैल पुतनी इतनी नेगेटिव इतनी गलत, उसके लिए हर सजा कम थी। मैं तो कुछ भी ना किया बल्कि की किया ड्रामे का तो मैं मजा नहीं आया। ड्रामे में हैदर बेचारे ने उसको किडनैप किया था ना उस डैम चुड़ैल को के अपना वो करने के लिए अमल को, उस इस वाली एपिसोड में उसने तकरीबन 1000 दफा इस चीज की माफी मांगी कि मैंने ये वाली चीज गलत की है मैंने ये वाली चीज गलत की है, पर मैं वजाहत कर दवा उन्हें गलत नहीं सी कीता, उन्हें बहुत घट कीता सी, ऐ नहीं सी होना चाहिए, बल्कि इन्होंने की कीता कि जेड़ा जो अमल का और हैदर का सीन था फुसफुस ठंडा ठंडा मनूस लोगों के वजह तो कलैड़े जीन नहीं देंगे खाना खराब, मैं तारकिया नहीं पी हाए मैं सदके जावा
है तो एडे अग्रैसिव हो जाता हूँ मेरा बच्चा, वो तो इंज 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 करता हूँ, वो फुसफुसा जाओ फुसफुसी जी हो की सीन सी ओनू ले आप कहना चाह रही कि लोगों के दबाव से ना हैदर बेचारे को कहा था ना कि ये वाला सीन गलत है, लोग इस बात पे बहुत हाँ करंडे से ऐसे चीज ठंडा करना करके हैदर का और ये वाला सीन था ही नहीं। हैदर उस हैदर ने तो उसे कुछ किया नहीं जिस तरह की उस बच्ची ने अपने माँ बाप के साथ, अपने शोहर के साथ, हैदर के साथ, अपनी दोस्त के साथ, इवन के उसकी जिंदगी में जो भी रिश्ता था सब के साथ गलत किया। और बच्ची मजलूम नहीं सी, और बच्ची एक चुड़ैल सी, तो चुड़ैलों की यही सजा होती है अग जला के छिड़कता जा जिस तरह जो डैन दिखाई सी, उस डैन उस चुड़ैल को तो सजा देना बनती थी। ये लोगों ने क्या वाह वेला मचाना शुरू कर दिया, लोग क्या वाह वेला मचा रहे हैं, लोग वाह वेला मचा रहे। मैं जिक्र ही नहीं करना चाहती वाह वेला। हूँ जी बच्ची बेचारी नूर मुकदम का केस में हाँ। नूर मुकदम का केस जरा गा बच्ची मजलूम सी, वो कमबख्त मारे मुंडे ने उन्होंने भैड़े तरीके मारिया। दसो तुम नूर मुकदम की गल चुड़ैल अमल ना किस तरह मिलाता अमल डैन का, तो मैं कहनी हाँ अमल जी सी ना वो तो हैगी सी अस की मुंडे का जहर जिन्हें मारिया नूर मुकदम, वो तो जहर वे उसका तो अमल रखना नहीं, मैं अमल जहर उसका पाता किस को कहते इंजीनियर होना चाहिए, वह तो बहुत भैड़ा शुरू होना चाहिए सी। अच्छा की किया हूँ बेचारे ने की किया कि बेचारे ने समेटना करके दुनिया की गलों तो पहले माफिया मांगता रहा हैदर के मैं उस भूतनी ने गलत किया, हालांकि गलत कुछ नहीं किया। ड्रामे का जो मैं तालियां मार रही थी भंगड़े डाल रही थी एंड ते ना मैं तालियां ना भंगड़ा कुछ ही नहीं, बस मैं देखा बस ठीक था ड्रामा, तो भी मैं पता ठीक क्यों सी सारे लोगों की वजह तो। अब इसमें अमल का जो बाप है, अच्छा अमल को वो घर छोड़ गया है, तो उसके बाद ना अमल के बाप अपने चचा को दिखाता है हैदर के अमल जो थी ना ये चचा गलत थी, सारा कुछ को वीडियो दिखाता है, वीडियो दिखा के वो चला गया। अब उसके बाद अमल ने अदालत में जाना है, चचा उसका बाप कहता है कि मैंने तेरे साथ अदालत में नहीं जाना, अदालत में वो अमल अकेली गई है। उन्हें सीन गौर करना, अदालत में चली गई है, अमल की माँ अपने शोहर के पास आती है अमल के बाप के पास, अमल का बाप उसे बताता है कि साड़ी धी जी सी ना बड़ी कमीनी तो चुड़ेल सी, साढ़े ज सब ना बहुत उन्हें खेलिया फलाना ये वो है जी, बड़ा बेचारा दुखी होंगे और रोंदी हुई थले आ गई कि साड़ी धी गलत निकली सी। उत्ते जनाब जी अबू जी ने कर ली खुदकुशी, अबू जी अठ गोलियां खाधिया तीन जमीन से सिटिया, अबू जी भावे 50 गोलियां भी खा लेंदा। अच्छा वो नीचे आई है, वो नीचे आई है और अमल की फुफो कहती है अपनी उस भाभी से क्या बात हुई, क्या बात है घर में माहौल है, क्या बात है क्या बात है। अच्छा दसो जरा घर च एडा खतरनाक माहौल चलता पे है, अमल नू तलाक हो गई है, यह सारा केस के की है तो की नहीं, फुफी की तैयारी इंज रूचते सी कि लादा फुफी मुड़े कि फंक्शन से चली गई, फुफी उन्होंने दबदबे ना पुछी कहती दसी क्यों नहीं पिकी है, ऐसे गल च फुफी उपर उपर जाती है भाई को देखने गुलेरा ना उपर गई है, भरा डिग्या पाया एडी सी सी ना कर सी तो करना ही नहीं करना आओ क्यों सी क्यों, दुनिया च तुसी 100 लोग देखे होंगे जेड़े गोलियां खा के खुदकुशी करते ने, 3 घंटे बाद भी उन्होंने होस्पिटल जाके मेदा वाश करा के बचा सकते हो, इनू तो 3 घंटे भी ना होए, इन अद्धा घंटा भी ना होया, 10 मिनट थले वोटी आई है, 5 मिनट भैन उत्ते चल गई, दोनों गई ने दोनों बुढ़ी औरतों ने तो सली ना क्या मर जा, तेन अस्पताल जाके करना की हनी उन्होंने अस्पताल क्यों नहीं लगे, क्या ये था अस्पताल लेके जाते मरना क्यों सी, अस्पताल जाते कहते हालत खतरनाक है कि अल्लाह दुआ करिए कि बच जाए, हालत क्रिटिकल है, उन्होंने अस्पताल गए ही नहीं और नींदियाँ गोल। अच्छा फिर हमें दिखाया कि ऐसे प्रोफेसर भी मरा था, प्रोफेसर बेचारा जरा बदनसीब सी उन्हें तो रात दियाँ गोलियां खादियां सी, सवेर वक्त वो बीवी आई सी उन्हें मरिया ही मिलना सी, 10 मिनटा च गोलियां खा के कोई किस तरह मर गया, यदा जवाब तो दवो मर गया अब्बा। उस बाद उ अमल सारा केस चलता पे है, लो जी केस चलन डे है, तो जिहड़ा वकील है ना वकील ने कहता जिहड़ियां सारियां गल्लां तुसीं करदे पे हो ना, हुण कहिंदा हैदर नूं तेरियां किसे गल ते यकीन नहीं, इह सब मतलब ड्रामा कुछ नहीं, और हैदर दी सारी कीती कराई जिहड़ी सी ना जिहड़ियां सारियां काविशां सी सारियां खूह च पै गईआं, क्यों जे चाचू ना मरदे खतम कुछ भी नहीं सोणा। अच्छा फिर देखो की कीता, वो कहता हैदर कहता ऐसे ऐसे ऐसे, अमल उठती है, अमल कहती ये सब झूठ कह रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, लटक फिल्मों की एंट्री हुई
अमल दी मां दी, ये झूठ बोल रही है, हैदर बिल्कुल सच्चा है। दसो पहले तू ओनू मारता, ओनू अस्पताल ना लेके गई, इन्हें खत्ती ओदी लाश नू छड़ के तेरा अदालत आने का की मतलब? मतलब बताती कि अमल गलत है। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਤ ਚਾਂ 'ਚ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ, ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇੰਝ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪਾਈ ਸਪੈਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਚੀਚੀ ਚੀਚ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਨੇ ਅਤੇ ਵੋਟੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੀਅਤ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਤਾ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਸਪੈਨ ਤੋਂ ਘੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੀਅਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੀਅਤ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਜੇ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਜੀ, ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਜੀ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਡੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਝੂਲਾ, ਲੈਂਪ ਪਿਆ, ਮੇਜ਼ ਪਈ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਸਮੇਟਿਆ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਅਮਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਥੇ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸਹੀ ਥੀ, ਅਬ ਯੇ ਸੀਨ ਥਾ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਬ ਹੈਦਰ, ਹੈਦਰ ਕਾ ਬਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੇ ਪੀਛੇ ਉਸ ਹੈਦਰ ਕੇ ਘਰ ਕਾ ਝੂਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਪੇ ਟੇਬਲ ਪੇ ਟੇਬਲ ਪੜੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਪੜੀ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਪੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਨ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਯੇ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜਾ ਆਪਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰੰਕ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਾਦਲ ਸੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖੜ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸੀਬ ਅਮਲ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਲ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕੀ ਔਰ ਹੈਦਰ ਕੇ ਅੱਬੂ ਕੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਓ ਕੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਜਾਨ ਥੀ, ਹੈਦਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਓ ਜੀ, ਦਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੂਨ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਹੈਦਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੋਟ ਰੱਖਣ ਡਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮੀ ਨਾ ਲੰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਫੋਤ ਗਈ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਰੂਨ ਸਾੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਲੀ ਲੰਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰੂਨ ਸਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੜ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਨੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ, ਇੰਝ ਸਮੇਟੇ ਇੰਝ ਸਮੇਟਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੋ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬੈਸਟ ਲਗਾ ਥਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਕਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਕਬਰ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥਾ ਵੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾ, ਉਹ ਯੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਐਸੇ, ਫਿਰ ਵੋ ਕਿਹਾ ਯੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਥਾ, ਕਹਿਤੀ ਆਪ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਬ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾ ਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8-9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਥੇ, ਆਪ ਕੀ ਆਜ ਜੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਇੰਝ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਕਰਕੇ, ਲਪੇਟਣ ਲਪੇਟਣ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਮੁਝੇ ਡੰਕ ਕਾ ਜੈਸੇ ਥਾਣਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਥਾ, ਠੀਕ ਥਾ। ਅਮਲ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਸਕੋ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਸ ਹਾਂ। ਆਗੇ ਬੜੇ, ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀਕਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਪਰਦੇਸ ਕੀ, ਤੋ ਪਰਦੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਸਾ ਰਹਾ? ਪਰਦੇਸ ਡਰਾਮਾ
मैं क्या सी बहुत हो गई हूँ तू भी बची जी ना हूँ कहन बस कुछ ही होना बड़ी बिस्ती करा चुकी है बड़ी गलतियां कर चुकी है पर जूबी तो गलतियां ना करे इन्ना मुमकिन हर एपीसोड च जूबी एक बिस्ती कराने का मौका मैं दे दें जूबी ने फिर बिस्ती करानी अपनी क्या किया जूबी ने जूबी की बिस्ती पहले कर लवा कि पहले बुगड़ा पहले से तो शुरू कर लवा मैं पहले से तो शुरू करनी अब इसमें ना दिखाया कि जैसे वो ना फुफो इतनी अच्छी फुफो दिखाई है आलिया आलिया कहती है कि हमें ना एमन के घर जाना वो भाभी भी कहती है ना कि नहीं सच हो रही मैं गल अहम मैसेज देना भूल गई अहम मैसेज मेरा यह है हर ड्रामे वाले ने प्लीज़ आप लोग अगर इद्दत दिखाते हो ना और आपको इद्दत दिखाना मुश्किल है फिर आप लोग कहते हैं ऐसे किया आप कहा करें इद्दत दुरानिया लिखा करें अच्छा टाइम आ गया ठीक है इद्दत ना दिखाया करें इद्दत दिखा के फिर गलत दिखाते हैं अब जूबी है जूबी की इद्दत किस तरह क्या ना जूबी ने सर पे दुपट्टा ना जूबी बहनोई से देवर किस से पर्दा निकाल रही जूबी की इद्दत की इतना बेहतर है हर ड्रामे में आप बस मेरा सबको मशवरा है कहा करें कि इद्दत और वक्त ऐसे गुजार दिया करें कि पांच साढ़े चार माह बाद बस खत्म कहानी है कुछ भी नहीं होएगा कि इद्दतों ने किस तरह गुजारी किस तरह नहीं गुजारी अच्छा वो आलिया कहती कहती है जूबी कहती है कि एमन के घर ना चक्कर लगा के आओ ना मेरा एमन को देख के आओ कैसी है ये वो आलिया कहती है अपने उसको भाई को आसम को कि हम ना उसके घर जाना है मेरे अल्लाह मैं कहती हूँ सही गाना बनया साढ़े जमाने का साढ़े जमाने का टप्पा गायक जम जम जीवो चाचे हो मेरे बाप जिया ना कोई देखो कि किस तरीके से ऐसा ने इस तरह करना था जिस तरह तुम कुत्ते आओगे कुड़ी नू एक टैची देकर रुखसत कर दिता अपने ससुराल से इनिया गल्ला सुनती पई ओदी चुड़ैल जड़ी नंद वे छीमा छीमा कहती है छीमा नंद का नाम इन्हें कहती ना बरात ना वलीमा ना जहेज ए नस के गई बेचारी हो यह तुम की किया अच्छा चाचा को फिर वो आलिया कहती है ऐसा ना करो ऐसन भाई की बेटी है फलाना तो हमें जाना चाहिए अच्छा अब चले गए हैं अब वहाँ चले गए हैं एक मिठाई का टोकरा लेके गए हैं तो वो चाची कहती है 10,000 रुपये की हम मिठाई और फल लेके गए एक टोकरी पई हुई है वो च 10,000 की मिठाई तो फल किस तरह होगा अच्छा वहाँ पर अब जो छीमा होती है छीमा बहुत बेइज्जती करती है इनकी उसकी जो नंद है फिर मैं दसो ड्रामे वाले मैं की करा तुम कहना कितने गल कितने लै जाती है जो बच्ची एमन है एमन बेचारी बचपन से बच्ची दुखी है वो चाची तो मेरा बाप ना जाए बाप उसका चला गया उसने तनहा जिंदगी गुजारी बाप के बगैर माँ के साथ और बच्ची चिड़चिड़ी चढ़ेल से लाकी सी बन गई हूँ दसो तुम वो विह के बाद वह कि दिखाया इन्ना भैड़ा उसकी जो सास है वो इतनी चुड़ैल है सास का चुड़ैलपन मुझे समझ नहीं आ रहा सास जो है उसकी माँ बच्चा की ना है बच्चे का बाद ही हाँ ये बाद की माँ ये उत्ते चढ़ती अपनी नौह से रज के बिस्ती करती है तो जेड़े अपने सतेले बच्चे ने हालांकि हमें शुरू में बता दिया था कि आधी जायदाद इसके नाम लगी हुई है ये बाद की माँ के नाम लगी हुई है आधी जायदाद लगी हुई उन्होंने जुतियाँ क्यों खाती हो इन्नी क बेइज्जती करते ने सारे भैन भरा मिल के उन्होंने बिस्ती धी बेचारी नूह है बेचारी वो नूह की बिस्ती करती रहती है कि बेतुका आप बीच में आगे बेचारी एमन के करैक्टर को दुखी करने के लिए बहुत लोग थे बिचों बिच पाता बच्ची छीमा जो उसकी नंद है नंद का जो मियाँ है वो रज के लुच्चा दे बदमाश एडा बदमाश दिखाया कि एमन उत्ते छेड़ना छेड़ना अपनी सस नू भी गंदे तरीके सस ने भी गंदियां लैना भैड़े तरीके सास ते भी है वाली गल उत्तम बच्ची जी छीमा है छीमा बेटा माइंड ना करना क्या? थोड़ा जिन्ना ही सीन सी उदे विच तू बच्चे की बात का ना ही भुल गई कहती है अपनी उन्हू सतेली माँ कि अम्मी अब रोहेल आगे तो नहीं पढ़ सकेगा उसने शादी कर ली है रोहेल ना तो अपने एग्जाम्स पास करेगा और ना ही उसे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो ना तो इबाद सी इन्हें जिन्हें सीन च तू बच्चे का ना लेने भुल गई हीरो का कि ना इबाद सी बिच अच्छा वो बाद हम दसो चल गए उधर अपने घर जूबी जूबी वाल आ जाओ वो घर आ गए नहीं तो कहते साड़ी बड़ी चाचा कहता बिस्ती की इंज किया फलाना किया ये किया हाए वाल बिस्ती सारा कुछ हो गया वो बाद फैसला होंगे कि वो बच्चे ने बाहर पढ़न वास्ते जाना है तो घर में बेच दिता जा ठीक है मैं कहनी हाँ जूबी बेटा धन में तू तो तेरी है खामोशी आलिया फिर बोलती है इस बात में कि घर क्यों बेचना है
ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਸਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਏਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਐਡੇ ਪੈਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੇਮ ਤਾਸਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬੂਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ आलिया उस चीज़ से बहस कर दी है। अच्छा उसके बाद जो जूबी ने अब फिर इस वाली एपिसोड में गलत बात की है, माएँ अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, सबको पता है। जूबी कहती है उन अपने देवर नूं कि पता चलिया पुराना घर विकदा पिया, यह घर वेच के ना तू मनो पुराने वाला घर लै दे। क्यों दसो जरा हनी, मैं तुहाडे लई डिफेंस च आई हाँ ना, जूबी के लिए पुराने घर में रहना बहुत खुशी की बात है, जैद बच्चे लिए सजा है ना, माँ प्यो औलाद के लिए सजा सहते हैं कि माँ ने फिर सजा जैद उन्हें दीती, जैद उस टुटे भजे पुराने महल्ले जी अल्लाह माफ करी, जाके बच्चा जिंदा रहेगा कि मरेगा, और नशा छड़ के ठीक हो गया फिर नशा कर ला पेगा, फिर जूबी तो खुदगर्जी दाती, जूबी ने फिर देखा कि मैं अपने पुराने घर जाके खुश होवांगी, उन्हें बच्चे की खुशी उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे वास्ते वो माहौल, मैं कहती हूँ आम जिंदगी में 101 मेरे जानने वाले 101 आप लोगों के जानने वाले मूव कर गए अपने मोहल्लों से, कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, अब हर किसी के है कि मोहल्लों में रश है ये है वो है, जो कोई जहां भी अफोर्ड कर सकता है ना उस हिसाब से मोहल्ले छोड़ के जा रहे हैं। सदके जावा जूबी तेरे थे, जूबी कहती मैं पुराने मोहल्ले से जाना, जूबी हूँ पुराने मोहल्ले चली, हालांकि धी कहती भी किसी घर नहीं बेचना, मेरा तो प्यो बीमार से जिस वास्ते घर कहते पे से, तो हूँ तुम अपने बच्चे की तलीम वास्ते घर कहते पे तो गलत गल है। मैं कहना चाहनी हूँ जूबी बेटा की सी एसन का मैंने जवाब दे, एसन बच्चे ने जिहड़ी तन की तू जी पैसों का की असर करती रही, वो जो तू बच्ची जे तू पासपोर्ट ना बना दी तो शायद मैं तेन माफ पासपोर्ट नहीं भूलती है, क्या मैं तेन फिर नहीं मैं तस कह नहीं पई हाँ, मैं पासपोर्ट नहीं बना सकना सी, मैं बकाया जंगा करनी हाँ, तू जब पासपोर्ट बना लिया पासपोर्ट बना लिया तू अपने खामन जिहड़ा ती तेरा खामन कित्थे कहिंदा पिया सी, उहदी मां डिग पई सी ते कहिंदा सी मैं अपने बच्चियां नूं लै के बाहर दे मुल्क शिफ्ट हो जाणा, जद ओह बंदा इस नह ते सोचण लिया सी मुड़ के दुबारा नहीं कीता उहने कि अपनी बुढ़ी दे नां ते बच्चियां दे नां ते कोई प्लाट लै लैंदा, सारी दुनिया दे लोक इंज करदे ने, आखिर तू मां प्यो छुड़ा के ले चला सी ना अपने बीवी बच्चियां नूं ते फिर तू एस ने कोई प्लाट पलूट क्यों नहीं अपनी वोटी का ना दिता, वोटी ने क्यों नहीं सी कहा कि जो एस की सारी जिंदगी की कमाई का मन दसो कितने गई, सारी जिंदगी बाहर रहा बुढ़ी इतने कली रही और कमाई कितने गई, एंड ते फिर एंड ते की हो आसम कहता पे अल्लाह माफ करी कि मैं खर्चा चुक लवागा भाभी का कि जैद छोटा है, यह की गल हुई सारी जिंदगी कमा के परदेसी दियां तनहाइयां करके एंड ते फिर वही शुरू होया फिर वही हिसाब होया कि हूँ वह एहसान हो गया कि आसम ने इन्हें घर का खर्चा चुकना, अल्लाह जाने की राइटर ने किया। आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परिजात की, तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? परिजात ड्रामा एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, इतना खूबसूरत, हाशिम नदीम का नदीम हाशिम है, हाशिम नदीम, हाशिम नदीम बच्चा लव यू, ये वाला ड्रामा परिजात है, ये लग रहा है कि तेरा है, बहुत शानदार, आई एग्री, इस ड्रामे की पूरी जो किस्त थी मैं कहती हूँ इतनी अच्छी, एक एक बात सारी ऐसे दिल को लगी जाके, ऊपर से बहुत से अच्छे मुझे मैसेजेस भी लगे ड्रामे के थ्रू जो दिए गए, शादी के बाद की पढ़ाई के लिए, वो जो है उसके नाम क्या है परिजात की बहन की शादी होती है, कहता है कि तुम पढ़ लो देख लो, मैंने कहा था ना कि जब वो अगर कोई बंदा अच्छा होता तो आप इस चीज को मैटर नहीं करता, अब उसके मियाँ की उम्र बड़ी भी दिखाई है, कितना अच्छा लगा वो कि उसको कहता है कितना केयरिंग है, वो केयरिंग है ना कि ऐसे ऐसे ही कर लेना, हूँ मैंने यह बस लगा है कि थोड़ा जिन्ना कि दसो यह बच्चा जरा सी जी शादी हो रही है परिजात की भैन ना, वो बच्चे तो हाले कबारा ही है तो ब्याह हो गया भाई, बार दफा काम कुम च बंदे नहीं ब्याह होता, वो दसो उस बच्चे का सारा सिर मुँह पैर चिट्टा क्यों था आया हाले वह ब्याह होना सी, हाली ब्लैक काले बालों से उम्र 10 साल छोटी लगने लग जाती है, वो बच्चा ब्याह के बाद फिर भावें चिट्टे कर लेता कम अज कम ब्याह उत्ते ब्याह तो वो सिर पै सारा एडा चिट्टा दाना कोई जरूर नहीं सी, या तो तुम कोई जवान हों करन वास्ते धान दो कि चिट्टे वाल करके एक सही उम्र का बच्चा है वाला वो चिट्टी दाढ़ी चिट्टे वाल लगता पे हाले कि दादा बूना ब्याह होने दिया वह तुम वाल काले दाने चाहिए वो सफेद नहीं दिखाने चाहिए। दूसरा मैं ये कह रही हूँ इसमें अब जैसे परिजात अपनी बहन को कहता है ये बात बहुत हाशिम नदीम ने अच्छी लिखी कहता ख्वाब जितनी जल्दी टूट जाए ना मतलब जितनी देर चलते फिर ज्यादा ही दुख होता है
कहना ना कि आपे तू माजे नु करनी, माजे तो करता ही नहीं, तो दफा दूर कर। पर ये जो कि क्या होता है शादीशुदा, अच्छा शादीशुदा भाई भी अच्छे होते हैं, भाभियां चुड़ैलां होती हैं, भाई कहते हैं कि वो वड्डा है या उन्होंने पूछ लेना, वो दो डैणा वाली पूतनियां चुड़ैलां भाभियां सी कमीनियां, और कमीनियां कहते कोई गल नहीं पूछ लाँगे। बकाया जो परिजात था, जो कुंवारे भाई होते हैं, वो तो करते ही बहुत प्यार है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई सिखाने वाला नहीं ना होता। परी तो कहता अपनी भैन को, भैन कहती ना इनकार करके की करा, भाभियां फॉरमैलिटी पूछना आई सी, विआह कराना ही कराना। पता मैं कहना चाहूँगा ड्रामा बहुत मेरे दिल को भाग गया, वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता उसने ज़रा, पहले एपिसोड हमें ज़रा खिंचनी लगी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। जो डायलॉग्स हैं, जो बातें हैं, जो किरदार है, वो जो निया शायर का किरदार है, वो इतनी मज़े की बातें करता है, मज़े की बातें, अच्छा शायर कितनी मज़े की बातें, वो लग रहा था कि भाई कितने ड्रामे बच्चा कर चुके हैं। वो पता है वो सोशल मीडिया पे काफी उनकी वीडियोस वगैरह चलती हैं, तो बहुत तो अच्छा बोलते हैं, बहुत शानदार, बच्चे का सारा शेर सारा कुछ कहता है। अच्छा इसमें ना वो सीन बड़ा मुझे फनी लगा, मुझे मजे का भी लगा, बच्चे नु कहंदा शायर परजा देना, अच्छा हां हां अच्छा हां हां, कहंदा सिगरेट, कहंदा सर सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है। तो मैं यकीन कर लिया, मैं कहा जिस तरह बच्चा है बच्चा है कि सिगरेट पींदा, कहंदा दसा तेरे मैं पीछे सिगरेट पींदा, कहंदा कहंदा मुझे भी एक सिगरेट दे दे। जैसे परिजा ट्रेन पे जाता है तो कहता है कैसे मरोगे, बड़ा अच्छा मैसेज चाहिए, कुछ ही फर्क नहीं पता, सिर्फ अपने बहुत अच्छा बहुत अच्छे मैसेज भी दिए, मुझे काफी अच्छा लगा एपिसोड वाली। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क है कि जिसकी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार एपिसोड लगी इस हफ्ते, तो इश्क है कैसा रहा? बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ड्रामा बहुत मजे से मैं देखती हूँ, पर ला एक एक सीन 20-20 मिनट का होता, क्यों कुछ होता ही नहीं, म्यूजिक चलता रहता है ना, लड़की चलता रहता। आप देखो के मुंह से कहना चार एपिसोड देखा जाए, एक महीने के किस तरह हफ्ते हफ्ते बाद आदि ने, एक महीने का ड्रामा को यकीन करेगा कुछ भी नहीं था इसमें। अब इसमें इसरा उससे से कहती है ना कैसे तलाक जो भी सारा कुछ लड़ती है, इसी टेंशन में वो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, शाहजेब का, शाहजेब का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल में होता है, उसको फ़ोन आता है, वो जाती है हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर सास को भी बुला लेती है कि मतलब ऐसे शाहजेब का ना एक्सीडेंट हो गया। अच्छा उसके शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया, नाल ही सीन था वो सास वगैरह आई है, सास आई है थोड़ी देर बाद फिर आ गया निमरा, निमरा बेटा की है इन्नी प्यारी बच्ची, मैंने इन्नी पसंद बच्ची है, वो बच्ची एक्टिंग भी फूल चंगी कर दी है, अल्लाह दे ना की है डायरेक्टर ने राइटर ने की उस प्यारी बच्ची नु दसिया नहीं सी की है, अल्लाह इन्ना जलील ते ख्वार पूरी दुनिया को दी, मन दुख हुंदा क्योंकि बच्ची मैंने बहुत पसंद है, बच्ची आई है दसो आई है, इसरा दा खामंद अंदर कैसे गया, क्यों गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अगर मेरे शाहजेब को कुछ हुआ, ने खती है तेरा शाहजेब कितों तो हो गया तेरा, हनी उस तो आज उची बोल दे। अच्छा फिर वो जो होंगे ना कि बच्चा रजा रजा कहता प्लीज हॉस्पिटल है कुछ होश कर, फिर उस बाद भैं कहती निमरा दी माँ कहती आपा आपा बसों बाहर होने डे मेरी निमरा काबू च नहीं आन दी, इन रस्सी पा के तो मैं घर नहीं चली गई, उन रस्सी पा के घर लै गए, वो घर चली गई है। वो बाद ना रजा इसमें ना मतलब सही हो गया, वो कहता है कि जैसे ये दोनों मियाँ बीवी का प्यार है इस तरह प्यार कर ली। अच्छा बाद डॉक्टर आता, डॉक्टर कहता है कि मरीज की हालत बड़ी खतरनाक जी है, 8 घंटे बड़ी खतरनाक ने, होश आ गया कि कोमा च ना चला जाए, एडी खतरनाक है कि कहता वो बेहोश इसरा इसरा को नहीं इसरा को बुला रहा है, एडी क्रिटिकल हालत कोमा च जा सकता किस तरह ने इसरा 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 कहता इसरा इसरा कहता कहता इसरा नाल लै गया, इसरा नाल लै गया। उस बाद अगला सीन आया, अब माँ वगैरह सारे ना उसको शाहजेब को होश आ गया, माँ वगैरह सारे पास बैठे हुए हैं, कहते तू रात भी इतने हैगी है तो तू ना हूँ जा घर चली जा,
निमरा उसको इसरा को कहते हैं, ठीक है। सास घर से खाना लेके आई है सबके लिए, शाहजेब के लिए भी। कहती है दस तेरा बच्चा अस्पताल पे है, कहती खाने पीने की चीज़ें लाई हूँ, खाने पीने की चीज़ें क्यों हैं भला, तेरा तो बच्चा बैठते पिया हुआ है खाने। अच्छा भाई उन कहते तू घर चली जा। इसरा को आराम करने के लिए घर भेजते हैं, तो इसरा ने की किया, घर गई, घर गई, उन्हें कपड़े भी नहीं बदले, उन्हें सब तो पहले किचन च गई, किचन च गई, फिर ऐसा किचन च गई चूल्हे से पहले कोई हांडी पकान दिया भूत वो वास्ते, किचन च गई है खाना पकता पे है, वह की करती फटाफट जाके नहाती है, नहा के आके जो पहले किसी ने रख दिता ऐसे किचन च, दसो हले तो घर आई सी वो चूल्हे से हांडी कहने रख दी, चूल्हे तो रखी पी हांडी डब्बियाँ पा के नहा नू के तैयार होकर फिर सत्ता चल गई। यह एफिशंसी जी दिखाई है ना डायरेक्टर बेटा मैंने हसम नहीं हुई। शाहजेब की माँ फुल अमीर, फुल लोध को नौकर, वो खान साहबा ने खाना बनाया, वो खाना लैके आई हुई है, यह हूँ दुखियारी जी इसरा है। दसो इसरा की एन समझ आई, इसरा की की शाहजेब की, शाहजेब फुल अमीर दिखाया, कहता भी प्यादा भरा के तू करोड़ों का बिजनेस कर लगा करोड़ों इंज, एक मुलाजमा नहीं गई शाहजेब के घर च, सारा कुछ कली इसरा कर दिए। फिर इस करोड़पति का जे तुम किचन देख लवो, कसना वह तुम तवा दे की वो देख लवो, चकना बेलना, अल्लाह मेरी तोबा मैं करनी है चकना बेलना देख लो, रोटी खान दिल ना करे, यह कि बकवास दिखा के तुम एडा अमीर एडा घटिया किचन, ना कोई मुलाजमा ना कुछ, कली सारे किचन च पका पका और सोना खाना लैके चल गई। की तुक सी, की तुक सी, इन्ना तेरा खावन का प्यार सी, आँदी नहा धो के फ्रैश होके फिर चल जाती कि मेरा घर जाके भी बेचैनी लगी, मैं शाहजेब को आ गई हाँ, कहती सब न मुबारक हो, मैं सबके लिए खाना ले आई, इतना सा टिफन सबके लिए खाना ले आई। सास हले सेब कट्टन डई है शाहजेब ले, वो दे सेब कट्टन कट्टन च इसरा घर जाके नहा धो के वाल सुका के खाना सारा बना के ले आई। उस सास कहती है कि तू बेटा तेरी अच्छा दसो किड्डी तबीयत वो खराब सी, कोमा तक जाता गा सी, डॉक्टर ने कहता कल दिन छुट्टी हो जानी है, कहीं देखिए कमरे च आए नाल दूसरे दिन छुट्टी हो जानी है। माँ कहती बेटा कि तू साढ़े नाल चल, इतना अच्छा शाहजेब दिखाया। शाहजेब कहता है कि नहीं, उन पता ना कि नहीं जाना चाहती, कहता नहीं नहीं मैं अपने घर ही जाऊँगा, इसका कंफर्टेबल फील नहीं करती ये वो सारा कुछ, माँ नहीं जाता, अपने घर आ गया, वो अपने घर आ गया। देखो इसरा इन्ना मतलब करती भी शाहजेब वास्ते तड़फन रही है कि घर आराम करने वास्ते भेजा सी, उन्हें आराम नहीं किया, नहा धो के सब लिए खाना पका के अस्पताल चल गई है। वह बच्ची दस तेरा खामद बेचारा उन जख्मी पे होया कमरे च, तू बाहर सोफे ते लम्मे पई हुई है, वह जख्मी बंदा कोई चीज़ बेचारा कुछ भी मंग सकता, वह बेचारा पानी मंगता है, पानी पानी बड़ी मुश्किल सुनती है, फिर एड्डा व्डा शीशे का गलास भावें हाथ छुट जाए, भरिया पे नको नक पानी ना को रख गई, तो तेरा सत्या नाच है। उन कहती शाहजेब पानी तो उन्हें थोड़ा पानी पिला दें, पानी नहीं पिलाया चुड़ेल ने कोल रख के चल गई, अपने पानी अपने सिर ते डोल जिते दिल करता डोल। अब अगला सीन दिखाया, अगला सीन दिखाया, अब शाहजेब कह रहा कि हॉस्पिटल जाना है कि क्या मतलब ऐसे जाना है, तो कहती शाहजेब को कि आप हस्पताल दुकान जाना, कहती आप गाड़ी चला गाड़ी नहीं चला सकेगा तू, और कहना सीन था, कहती मैं साथ चलती हूँ नाल इसरा गई है, शाहजेब गड्डी नहीं चला सकता, वापसी का सीन है, शाहजेब के नाल ड्राइवर भी है, डायरेक्टर बेटा है कि घरों इसरा गई सिर्फ ऐसे करके सी कि गड्डी नहीं चला सकता, तो ड्राइवर से ड्राइवर होना चाहिए भी सी जिड्डी उम्मीद आए ने। अच्छा हॉस्पिटल गए ने, तो फिर उत्थे ना यदि माँ अस्पताल दाखिल है इसरा दी, उत्थे यदा बेशरम बगैरत भरा मिल जाता, एडा बगैरत भरा ही जहाँ जो होंगे ना भरा मनूस मारे मनूस गैरत ना, तो या तो भैन कतल कर देंगे ने या बुलाते हैं, यह बशर्म उनकी पेशकश करता है उन्होंने शाहजेब न, शाहजेब न कहता है कि तू ना इन तलाक दे दे ताकि अच्छी फिर उन्हें कबूल कर लाँगे, तू कहना ना कि दस देना कि मैं जबरदस्ती किडनैप करके ले गया सी, इसरा मेरे ना नहीं गई सी, मैं जबरदस्ती ले गया सी इनू, वो कहता जे इन्ना जबरदस्ती ले गया सी इन तलाक दे दे असि फिर कबूल कर लाँगे। यह कि भरा दी भरा का की सी हाए भरा बस है ईगो से भरा कहता से इन्हू घर लिया के ना कमरे च बंद कर देवगा ना आदा ब्याह से कमरे च बंद रहना सी। अच्छा उस बार ना इसरा तो शाहजेब अब शाहजेब कहता अभी मैं नहीं देख सकता, मतलब कि हौसला नहीं पैंता, मैं जिस तरह प्यार करता दिखाया
उसके बाद शुक्र अल्लाह ए राइटर ने चंगी गल दी, मैं आखा या अल्लाह इस तरह की मां फोन कर दे, या अल्लाह इस तरह की मां फोन कर दे, शुक्र अल्लाह इस तरह की मां ने फोन कर दिया। इस तरह की मां ने कहा कमबख्त हमारी नसते तो गई है बगैर तो बेड़ा गर्क नहीं है, गलत नसी सही नसी जो भी कुछ किया, हूँ तू वापस आना चाहनी पी तेरे भरा से तेरा बड़ा भैड़ा शर करना है, तो हूँ मर जानी है जेड़ा देड़ा तेन लैके गया, जाओ इज्जत कर जाओ को ही रह। गुड मैसेज, मैं कहा शुक्र अल्लाह मां ने कहता दोनों का प्यार भी दोनों का था, ये है दोनों का प्यार, दोनों का प्यार भी था, ये था सारा कुछ। हूँ फिर वे कान खुल गए, फिर वे इसरा दे इस तरह क्या वो अच्छा मेरी उत्थे कह दे इतने मैं आजाद हाँ, तो वो फिर इस चीज़ का मतलब अगर ना वो कहता ना कि तलाक में मैं हम फोन करता ना उसका भाई के तलाक आज का दिन है बस, अच्छा वो तलाक के कहता सैन वगैरह करना वो कि मैं कर दूँ तो तुझे जाओ, इस तरह ना कागज पकड़ के ना फाड़ देती है कि मैं नहीं करना चाहिए, शाह भी खुश हो गया दोस्तों। फिर वो बसीम पाता उस बद नसीब का निमरा का, फिर निमरा फुल लैके आ गई, निमरा फुल लैके आ गई, खाई निमरा किन्ना क जलील दिखाने खाई मेरे अल्लाह, मैं कहनी हाँ कसना बंदे औरत चार गालियाँ निकाले मर्द एक बात कहे वो बड़ी बुरी लगती है, हाई मेरे अल्लाह निमरा बच्ची ने माफ़ कर दो। फिर आ गई फुल लैके, फुल लैके आ गए, फिर कहते कमबख्त मारी दफा दूर काला मूँह नीले पैर वो फुल फाड़ के ठा जमीन ते मारदा, हाई फुल ही मारदा फुल ना ही जमीन ते मारदा, कहता चल आदत कर ना ही मैं सैड ते रख दवा, कहते तेरे फुल आठा वो फुल जमीन ते मारन दिया, कहती तू मेरे सब कुछ हो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझसे तलाक दो इस तरह को और वो को तो देखो डिमांड मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी उसे छोड़ दो ना खत्ती हो तेन, कहता मेरा तेना ना लिंक ना लेका वो है, कहता दुनिया की आखिरी कुड़ी होगी तेना ब्याह नहीं करना, निमरा फिर मारना, निमरा फिर गुस्से फू 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 कर दी, फिर चले गए वो तो जलील खबार हो गए, जलील खबार हो गई बच्ची, बच्ची ने कपड़े जड़े पाए ने, वो बच्ची ने एक सूट पाया वो सूट ना शाहदेव के घर रही है, अपने घर गई है भैन ने गल की है, माँ ने गल की है, खाला ने गल की है, प्यो ने गल की, उन्हें उस सूट के ना चार दुपट्टे बदले, कुर्ता वह एक ही रहा और दुपट्टे चार बदले। प्यो कहता उन्हू बड़ी चंकी प्यो की गल की, प्यो कहता बेगैर बेशर्म बच्ची बगैरते तू तो लगती मेरा फोन है बशर्मे इन्नी बगैरती, तो मैं कहनी हाँ मैं कहना वा कि तेनू भां भुआ मारन डे मेरे खून च एड्डी भी गैरत नहीं कि तू खला पा दे मैं वो खला पा दे दफा कर दे दूर कर दे, वो कहती नहीं दस उसने कि भैड़ा किया वो तो एवं बेचारी कहती मैं शाह से पिछा नहीं छड़ना, वो तो खाला ने खुशखबरी दे दी, खाला ने पहले यह पता था कि शाहदेव ने कहा कि मैं तलाक देनी है, खाला घर से शादियां जान डी है खाने पका डे, उन्हें कहता निमरा तैयारियां कर लै शाहदेव तेरा तलाक बहुत जानकी उन्हें खाला ने किड्डा भड़ा किया नखत्ती है तेरी जी निमरा तो अगर वाची नहीं है वो तो अगे बेचारी कितने उड़ उड़ जान डी अगे बेचारी दौरे पैन डे तू तो जिंदगी की खेलिया। अगली वाली जो एपीसोड है इसकी बहुत मजे की है बहुत मजे, क्योंकि अगे चार किस्सा कुछ नहीं सीगा, अगली एपीसोड का मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, अगली में जिक्र करूंगी, अगे कुछ नहीं था अगली एपिसोड जो है वो सारी जो है ना वो बहुत मजे की। हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डोर की, तो डोर इस हफ्ते कैसा रहा? डोर ड्रामा तेन बड़ा गरूर सी ना बड़े इस ड्रामे च सस्पेंस होने ने, मैंने खेत आपने कहा था बड़ी इसमें गुत्थियां होंगी, मैंने कहा हाँ वाओ मैं कैसी गुत्थियां होनी ना गुत्थियां सुर जान सकने नहीं मत नहीं की तो खेत सवाह ना गुत्थी ना गुत्था कुछ भी नहीं। अब इस ड्रामे में मिसिज एहतशाम इन्नी अमीर दिखाई है पीली कहते हैं इस ड्रामे की एड्डी वीक वे कि जी उन्होंने मुलाजमत दिखाई है, मैं कह पोरम चिश्ती पोरो चिश्ती दसो मुलाजमत का नाम पोरो तो हो गया अगर चिश्ती ना कहो कौन एड्डी एहतराम का पोरो चिश्ती सिर्फ सन दस नहीं कहना पोरो चिश्ती शाम अमीर केयर लिए कोई होर रख दे जिडी तू अमीर दिखाई है मिसिज इहतशाम एडी चंगड़ी दिखाई है बिच चौकीदार वे दसो चौकीदार गेट की हिफाजत कर द एक पोरो चीची ते एक चौकीदार पूरे घर नूं ओही दोनों संभाल लंडे ने का चौकीदार हुंदा गेट को ताके अंदर ताड़े कोई आ ना जावे मिसिस एहतशाम ने की कीता चौकीदार गेट ते भी सारे अंदर दे घर दे काम सारे ओही करदा है
ਜਿਹਦਾ ਪੋਰਾ ਕਿਸੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ 2021 ਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿਸਿਸ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਕਾ ਰੁਮਾਨ ਅਲੀ ਬਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਨੇ ਮੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਬਾਨ ਕਰ ਓ ਅਬਾਨ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪੁੱਪੋ ਕਹਿਤੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਫਲਾਂ ਐਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਤੀ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਮਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਬ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਰੁਮਾਨ ਕੋ ਕਿ ਤੁਮ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਤਾ ਦੋ ਕਿ ਤੁਮ ਤੁਹਾਰੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਉਸਕੋ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋ ਅਬ ਰੁਮਾਨ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗਿਆ ਅਸਮਾ ਕੋ ਅਸਮਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਸਿਸ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਨਿਕਲੀ ਰੁਮਾਨ ਤੂੰ ਉਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬਤਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੀਆ ਔਰ ਉਹ ਅਬਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਨ ਗਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਰੁਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸਮਾ ਬੱਚੀ ਦਬੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਗਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਸਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਯਾਸਮੀਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਬਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅਸਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਘਰ ਮੇਂ ਨਾ ਉਸਕਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਸਮਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਦੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਗੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਅਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਸਿਸ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਚਵਾਨੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਸ਼ੌਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਖ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਆਈ ਫਿੱਕਾ ਫੜੋ ਸੂਟ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੈਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਅਬਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਫੁੱਫੋ ਚਲ ਗਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਯਾਸਮੀ ਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਲੀ ਫੁੱਫੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਿਛੋਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚਮਕੀਲੀ ਵੇਸਕੋਟ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਬਸ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਭਲਾ ਮਿਸਿਸ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਰੁਮਾਨ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਬਾਨ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लापता की तो लापता इस हफ्ते कैसा रहा लापता ड्रामा मैं कहती हूँ इस ड्रामे से लग रहा है कि एक बंदे पे दो जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए राइटर ते डायरेक्टर आई डिसएग्री कम्प्लीटली मैं तो इस ड्रामे को बहुत पसंद करूँ और मुझे लग रहा है बहुत ही एक अकलमंद इंसान है जो राइटर डायरेक्टर है मैं तो शो को बड़ा ही हमारी बहस कल रात को भी हुई ऑफ कैमरा मैं तो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अम्मा आप अपना रिव्यू करो नीचे अपने में ज़रा नुक्ते थोड़े मैं भी ऐड करता रहूँगा बोलो आप अच्छा मुझे ना ये समझ आ रही कि डायरेक्टर ने क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं अब जैसे फलक बची है फलक अक्लमंद पढ़ी लिखी सारा कुछ उसका पहला सीन ही है जो फलक उसके शमत के साथ
उसको कहते हैं वैसे तो बड़े बदमाश बने फिरते हो। दसो एक बच्ची नु जदों यही गल कह दे किसी नु कि बदमाश बकाया की रह गया, बकाया ओदियां खामियां खूबियां दे एक पासे, यानी यह भी खूबी ही है कि बच्चा बदमाश बने फिरते हो। उसके बाद मैंने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा था पिछली वाली एपिसोड में जो उसका था गीती का, इस वाली एपिसोड में जो आप गीती की वो दिखाई है, यहाँ तक तुम दसो फिर मैं मुतमिन हो जाऊंगी कि गीती थोड़ी जिनी पगली दिखाई है, क्योंकि अगर पगला दिखाओगे फिर मुझे मजा आएगा। मुझे इस डायरेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है गीती को नफसियाती कहते ना, नफसियाती में रीच टाइप दिखाया कि सोशल मीडिया पे टिकटॉक वीडियोस बना के लाइक्स फॉलोअर्स, जो एक सोशल मीडिया की जो एक कश्मकश उसमें फंस चुकी है लड़की, वो अक्सर बोलती है कि मेरे 1,00,000 फॉलोअर हैं, उसे बस ये है कि ये शख्स मुझे कैसे नहीं मिल सका, मैं इतनी पॉपुलर, मैं एक टॉप चीज हूँ, मैं वो हर दफा बोलती है मेरे 1,00,000 फॉलोअर्स में ये कर दूंगी, मैं 1,00,000 में ये कर दूंगी, मैं स्टार, मैं गीती, मैं प्रिंसेस। तो उसे वो दिमाग पे वो बात चल गई है उसकी, उसके दोस्त भी उसे घबरा के निकलती कमरे से बाहर जब वो शीशे में बात करी होती है, तो गीती थोड़ी जरा पागल से दिखा देंगे आगे जाके सोशल मीडिया के पागल है। अब गीती जो दिखाई है गीती गीत की है वैसे, अच्छा गीती का जो वो सीन था ना, उसने रसगुल्ले को एक तो रिज्क की बेहुरमती, ऊपर से मुझे डस्टिंग का बड़ा होता है, कहीं भी किसी का दम डस्टिंग का बड़ा होता है, हाइलो ने इतना बड़ा रसगुल्ला जो शीशे ते अंजन 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 कमाया, ओदी ड्रेसिंग टेबल सी सारा रसगुल्ला नीचे गिरा, इतनी सी मीठी चीज गिरे तो इतनी चूंटियां आ जाती है। आपको किसने कहा वो बहुत ही अकलमंद सुगड़ और बहुत समझदार लड़की है? वो एक वो लड़की अम्मा उसका दिमाग थोड़ा हिल चुका है सोशल मीडिया की वजह से। उसके बाद जो सीन दिखाया बैंड बाजे वाली दुकान पे जाती, दो जवान कुड़ियां बैंड बाजे वाली दुकान ते जाके नच नाल उथे नचदियां पईयां, ए की तुसी केड़ा मास्टरा दिखाया, ए की दिखाया तुसी जाके कुड़ियां नचदी पईयां, मैंने ये भी गल गलत लगी। उसके बाद गीती फुल तैयार, यहां तुसी ओनू तैयार ना दिखाओ, सिंपल जी होवे, ए की दिखाया तुसी, मां कहंदी जा कीमा लै के आ करो, मां का दे छोटड़ी हाथी धी को क्यों मंगवांदी है, ए तू मने इस गल दा जवाब दे, कीमा तू लै के आ। ऊपर से पिछली दफा माँ ने कहा था आलू छीलते हुए कि आलू मीठे खा रहे हैं कि हम गरीब हैं, एक पास ये गरीब है एक पास से कहती ये पता चलता है कि शम्स ने खाना है कीमा आलू, मैं खुद जाती हूँ छोटे कीमा ला के पकाती हूँ। सदके जावा एडी तेरे घर गरीबी आलू मीठे ते शम्स केड़ा बाहरों कि हज करके आया दामे में या कोई डिग्री लैके जिस वास्ते तू कीमा लैके चली पका के। ड्रामे में कुछ है फ्लॉज हैं लॉजिक जहाँ तक बात करूँ मैं, लेकिन मैं वैसे बहुत मुझे अक्लमंद लग रहा है। अच्छा, बहुत अक्लमंद, मैंने इस गल का जवाब दी, मैं इस गल से पागल हो ही पई बोलो। उस आदमी ने कहानी सुनाई शम्स के बाप, अच्छा, ये बात। शम्स के बाप ने कहानी सुनाई कि मैं 4 साल का था जब मेरा बाप फोत हो गया, तो माँ पहले मर गई हुई थी, मुझे शम्स के बाप ने सुनाई ना, शम्स का बाप सुना रहा है, फलक के दादा ने पाला, वो दादा इतना पढ़िया लिखिया इंसान सी कि उस जमाने में जिसके पास साइकिल होती थी उसकी बड़ी इज्जत होती थी, उसके पास गाड़ी थी, समझो मैं तो उस बंदे नु कायदे आजम ही समझ लिया जिसको गड्डी जेड़ा मजिस्ट्रेट पढ़िया लिखिया अच्छा जेड़ा एडा पढ़िया लिखिया, मैं अभी भी कहती हूँ वो बच्चा जिस बच्चे की मां नानी पढ़ी लिखी हो वो बच्चे ना तुसी गल नहीं कर सकते, वो एडा काबिल पढ़िया लिखिया होगा, एडा काबल ए आदमी ओदा बच्चे ने भी फिर CSS कीता, फिर अग्गों उस ओदियां पोतियां जड़ियां ने ओ भी CSS कर दी, एक ने हाली एक दूसरी ने बड़ा फाइनेंस कीता पया। हुण दसो जेड़ी असमा बास है गीती दी मां, उससे प्यो दी बेटी है, जेड़े एडे पढ़े लिखे काबल लोग हो ना उन्हां दा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर ना बन सके, कम से कम BA वगैरह MA कर लैंदा, जिड्डी उजड़ ते गवार गीती है उस च डबल ओदी मां जहल है। ओदी तरबियत प्यो ने क्यों कीती, ओदा प्यो आप कायदे आजम सी, असमा बास दा अब्बा कायदे आजम सी, मतलब पढ़िया लिखा मजिस्ट्रेट, ते दसो जेड़ी गीती है मां कहंदी है तू कम से कम मैट्रिक ही कर ले। हां ये आपकी बात वैलिड है, अग्री करता हूं मैं। ए तू फिर दस रख लिया की दिखाया कि जादो प्यो एडा काबिल सारा कुछ दिखाया ओदे ए जेड़ी धी एडी उजड़ जहल गवार क्यों दिखाई सी। ट्रू। अच्छा ओदे बाद हुणे इस वाली इस, अच्छा फिर पहले भी मैंने ये बात की है, मैं फिर दोबारा करूंगी, हालांकि पिछली वाली में जरा उसकी लंबी शर्ट थी फलक की, एदे च बिल्कुल शॉर्ट शर्ट सी, शॉर्ट शर्ट पा के केड़ा मजा आया फिर खेलन गई बैडमिंटन, इन्नी शॉर्ट शर्ट पैंटना पा के किस तरह चल गई,
ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਰੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਬ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਉਸ ਪੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਤੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਲਕ ਦਾ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਫਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਯੇ ਵੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ फिर इसमें हमें दिखाया था पिछली एपिसोड में उसका बाप कहता है फलक का फलक की माँ कहती है कि हमारी इंजीनियर फलक का भनोई इंजीनियर एक काबल बच्चा पढ़िया लिखा कहती है कि ओदी जॉब वास्ते सिफारिश कर दे फलक दा अब्बा कहता है मैं आज तक कभी सिफारिश नहीं की थी इतनी गल है मैं पैसे अपने ला के उन्हें बिजनेस करवा देना वा दसो शम्स कित तुरम खास ਸ਼ਮਸ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦਿਖਾਈ ਮੈਸੇਜ ਫਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ पूरी नहीं पढ़ती पूरी नहीं पढ़ती बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है फिर बहुत मजा आया फिर फलक कहती कंबख्त मारिए तुम ही एम ए फाइनेंस किया तुम ही मिलकर नौकरी कर दोनों मिलकर तुझे गुजारा गल मैं बहुत चंगी लगी अच्छा मैसेज था अब अगली एपिसोड एंड ते जी जी आई है मेरे को क्यों नहीं गीती बर्दाश्त होने गीती जी सी ना यह तुम ट्रैक्टर बच्चा गलत दिखाया गीती शुरू से शम्स के पीछे पड़ जाती मैं कहती चलो भाई पै गई उन्होंने पसंद सी शम्स वो तो एक महल के मुंडे के नाल नसन लगी सी फिर वो ये पीछे कोई जी पई हुई है पागल हूँ क्योंकि मैं इन्हें भी नहीं छड़ना गीती को शम्स नहीं गीती को बस वो एक चीज है कि गीती सारे महल जो बदम अखरोट लैन जाती गोश्त लैन जाती महल सर छोटे छोटे काम तू कर तू है कि है कि तू ही नसीब बनाता एक लाख फॉलर एक लाख फॉलर उसके दिमाग में है कि मैं ही तुरम खान हूँ सब कुछ मैं ही हूँ कि मुझे कैसे नहीं मिला समझ रही हो उसके दिमाग में ये अच्छा या मैं एक छोटी सी बात ऐड मैं डायरेक्टर की तारीफ करता अमर सीन बड़े मजे मजे शूट करते हैं बीच में वो जो आयजा शीशम देख रही होती हैं और बात भी मतलब कहने को बहुत कोई बड़ी बातें नहीं है पर अच्छा लग रहा है कि हमारे ड्रामे में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिल रही हैं वरना हमारे ड्रामे बहुत ही एक 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 तरीका एक टेम्पलेट होती है कि इस पर एक सीन यहाँ पे होगा कैमरा यहाँ पर लगेगा तो इसमें कुछ डिफरेंट करें मैं वो जैसे मैं लास्ट टाइम बात की थी वो कैमरा मूव इधर वो जाता है अच्छा लग रहा है मुझे स्लो मोशन आते हैं बीच में म्यूजिक चलता है मुझे अच्छा लग रहा है क्या सारी दुनिया चांद दिखाती है ना इन्हें ओरियो बिस्कुट दिखाया डायरेक्टर ने चांद की जगह पे क्या मतलब ओरियो और वो जब इतना प्यारा फ्रेम था वो छत पे जो खड़े थे ना दोनों छत से खड़े पिछड़ा चांद सी चांद पूरा ओरियो बिस्कुट छुरी नहीं आंदी सारी लगे चांद नहीं का ओरियो बिस्कुट चांद था वो चांद के वो किसी का आ गया पूरा ओरियो बिस्कुट पता नहीं मैं रामे कोल की बड़ा पसंद करूं मैं भी मजे ना देनी पई तो बस है अगर गीती दा प्लीज दस दवो कि गीती दा एक कर दो फिर मैं बहुत एंजॉय आगे बता देंगे क्योंकि गीती जिस तरह सारा कुछ कर रही है मजा भी आ रहा है कभी बनूर जो बन रही है कभी काजल बन रही है कभी कुछ बन रही है बस ये दिखा दे उसका दिमाग थोड़ा जा ही लिया दिमाग उसका हिला ये बकायदे तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की वाजे की जाएगी इस बात को कि सोशल मीडिया की वजह से वो लड़के का दिमाग हिल गया वो एक आम आपकी इंडस्ट्री का एक एक अदाकार के अंदर होता नहीं कि हम हैं मैं हूँ मुझे कह दिया होता नहीं सर्किस के अंदर तो गीती चिकित्सा का मैं हूँ तो गीती अपने हिसाब से है ना वो छोटे से घर गीती को तो छोटे से बच्चा काम से ना हलवे कि जेड़ा बाजारों चीजा ही फाड़ के ले आवे लोग उसे लाइक करते हैं कहते हैं वाओ गीती वी लव यू गीती के दिमाग में कि एक लाख की एक पूरी दुनिया है और उसे लगता है कि उस एक लाख लोग से जो उसे तारीफ मिलती है बस वही उसकी दुनिया है और वो बस उसने बस मार्का मार लिया और मैं गुरूर आता है बंदे के बाद जब आपको फॉलोअर्स मिले लाइक मिले वाह वाह मिले एक आता है हल्का सा गुरूर आप बताए आपको लापता कैसा लग रहा है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फितूर की तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा
फितूर ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। फितूर ड्रामे की राइटर बेटा ना क्या बहुत गलत गल इन्ने मौजू ने ड्रामे बनाने वास्ते बहुत ज़्यादा मैं कि दसा कि मौजू की ने बहरहाल गलत है। आम जिंदगी में इतनी शराब बढ़ गई है तलाक की कि जिसका कोई हिसाब नहीं क्यों वधी है खुदा जानता बच्चों जी बर्दाश्त नहीं है कि नहीं है मैं नहीं पता बहरहाल बहुत बढ़ गई है। फिर तू ड्रामे में जो सारा दिल निशी वाला सारा दिखाया है ये क्या क्या दिखाया है आप इसमें पहला सीन है दिलशीन बच्ची बात कर रही है दिलशीन बच्ची हमेशा वीडियो कॉल कर दी वीडियो कॉल कर ली पर इस वाली एपिसोड में वीडियो कॉल कर रही है उसका खामन अभी कमरे में आस पास ही घूम रहा है तुसी ये की एडिक सख्त बगैरती एडिक सख्त बेशर्मी एडिक सख्त गुस्से वाली गल के मेरी बर्दाश्त के बारे मेरा दिल करता सी जाके बीच एक मुक्का मार के आवा दिलशीन ए बगैरती बेशर्मी का की मतलब होया इंसान जड़ी औरत खराब हुंदियां ने मौशे च अफसोस तो लगे आ रहा सिलसिला हुंदियां ने बहरहाल असी ए वाली दीदा दलेरी जिहड़ी तुसी सानू दिखा रहे हो फतूर विच मैसेज दे रहे हो बच्चियां नूं कि जिहड़ियां बच्चियां डरदियां पईआं कुछ करदियां तुसीं अंज नंगियां तलवारां फड़ के अपने खामद नाल मुकाबले करो ना बिल्कुल गलत गल उहदा खामद कमरे च फिरदा पिआ ते वीडियो कॉल करदी पई है की बगैरती दिखाई है। फिर उसके बाद अगला सीन आता है फिर वो हैदर बिल्कुल पीछे खड़ा है उसके फिर वीडियो कॉल ही कर रही है किस तरह एक महबूबा अपने महबूब नू वीडियो कॉल कर सकती है खामद कमरे में मौजूद हो फिर तुसी कहना है कि गलत मैसेज दिता अम्मा का मूँह तोड़ दबो यह जो हैदर का दिखाया ना बिच तहम्मल मजाजी सॉरी यह तहम्मल मजाजी एक मर्द वास्ते नहीं मैं कह रही एक औरत वास्ते भी एक औरत का खामद भी कमरे के नीचे जी वीडियो कॉल अपनी महबूबा ना करता होगा ना वह जी बीवी होगी मोढ़िया तो मुक्के मारेगी ठा करके फोन फड़ के तोड़ देगी ठा करके कोई औरत यही कर सकती है मर्द वे मर्द ताकत वाला होंगे मर्द इस तो अगे जाएगा ऐ तुसी की दिखाना चाह रहे हो इस ड्रामे ची जी बगैरती बेशर्मी का अंत किया पाया कि हैदर की तुम हैदर को करवाना चाहते पे हो कि हैदर की करे उंज कहें ड्रामे च थप्पड़ नहीं मारना चाहिए यह तुम्हें कि बेशर्मी का अड्डा खोलिया पिया हो दिलशीन जी अल्लाह तेरी शान एड्डी दब्बू बच्ची सी मां को भरा को सब को डरती सी हूँ वह कुछ नहीं गई बच्ची ने भी एक तलवार फड़ी हुई है तलवार फड़ के कहती बस मैं बगैरती मैं बेशर्मी खोलती रहांगी मेरे यह ड्रामे च अगे मेरा जान दिल ही नहीं करता पा मेरा दिल करता मैं उच्ची उच्ची पिटा जो तुम यह बगैरती दिखा रहे हो सारा कुछ ऐसा सुन रहा ही है क्या अच्छा उसके बाद ये दिखाया कि ये ना अपनी सास के पास गई है फिर हूँ डायरेक्टर बच्चा तू मन दस दे कुछ शर्म होंगी तू कसम वाली गल है छे फराक ने बच्ची दिल चीन तू शर्म नहीं आई इन किस्त आ गई एडा वा ड्रामा तुम उन्हें छे फराक टोटल दिते छे फराक एक सिल्वर जुती पहली किस्त लैके हूँ चालवीं के किन्नवीं किस्त आ गई एको सिल्वर जुती तो पांच फराक ए फराक बेचारी बच्ची सौ दफा पा चुकी है एक दो दफा नहीं सौ दफा फराक पा चुकी है अच्छा आ गई तो जनाब जी वो तबीयत खराब होंगी है तबीयत खराब होंगी है जो पता चलता है कि इनू मां बनने वाली और मां बनने वाली है उसके बाद आगे जो सीन है इस तरह के सीन को मैं नहीं करती कहने को मैं बक बक करती हूँ पर जब करने लोगों मुश्किल पड़ती है कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बैग वाली गल का मैं नहीं सी कहना जिहड़ी दिलशीन घरों गई है बैग के बगैर गई है वापस डॉक्टर दिखाने वास्ते गई है वापस आई है एडा वड्डा काला बैग उन्हें पाया पे अपने मोढ़े से ठीक है काला बैग पा लिया मैं इत्थे भी गल मिट्टी पा देनी सी मैं गल अगे नहीं ले जानी सी ये डायरेक्टर एड्डी शान ना कमरे च गया है हैदर ते दिलशीन एड्डी शान ना उन्हें कैमरा पाया उहदे लाल रंग दे बैग ते जे तू लाल रंग के हैंडबैग से ना ना पाँदा कैमरा मैं तेन माफ़ कर देना सी जानी तू एड्डी एफर्ट की कि दसो उन्हें आके बैग ला के रखिया बैग की भी तस्वीर बनाने पे तो बैग तो बेटा फिर बदल गया ना ही बैग की तस्वीर तो लाँगा
अच्छा उसके बाद आप दिल्ली चीन आके ना हैदर के साथ लड़ती है कमरे में कि ये ऐसे बच्चा होने वाला हो गया फलां ये वो, कि मैं उसको क्या जवाब दूंगी हमजा को कि ये तुम्हारी डील में नहीं था फलाना ये वो। फिर हैदर बेचारा वो उतना लड़ता है, बहरहाल बहुत अच्छा दिखाया हैदर बच्चा सिर्फ लड़ता है, नहीं तो जो बगैरती जो इन्होंने कंजर खाना खोलिया पे ना कंजर खाना ही मैं कहांगी, मैंने ऐ वाली चीज ना कभी देखी ते ना सुनी जो बगैरती दिल नशीन दी तो हैदर दी दिखाई जा रही है हर वक्त एडिया हूं जरूरी गल्ला करता पे बेचारा रोंदा पे फुल दुखी हो रहा है कि मेरी मां बीमार है तन बच्चा होने वाला है फलाना ये हो तेज कर भी ए सारे जज्बाती डायलॉग है सारा कुछ दोनों गमाना चूर गल कर देवे ने फिर बैल बज दी वो तो एडा मोटा लिया पे हमजा आगे बढ़े हूँ किन्ना क बर्दाश्त करे हैदर ए तो दसो जो बगैर दियां दुकान डे उस बाद जी महमल वे महमल बची वो तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि वह शोहर मनाने वास्ते आ गया महमल बची ने की किया फिर अज उन्हें एक वलीमे साड़ी पाई गोल्डन बलोज ना वो तो चलो वह खावन का जा गया मनाने वास्ते महमल बची कि चंकी रह गई महमल एक चुड़ैल सी दिलचीन का हैदर का घर पूरे का पूरा खराब किने किया महमल ने महमल चंकी रह गई सारा घर घुर खराब घर खुर के खावन आया अंसब उन्हें माफ़ी मंगी तेन मैं प्यार दवागा मैंने एहसास हो गया तू इंज फलाना है एहसास हो गया कहना मैं तेन घर लैके चला चंकी तो महमल रह गई उन्होंने घर से बर्बादियां फेर के आप अपने घर चल गई है अल्लाह का खैर सलाह दसो हूँ डायरेक्टर बेटा जे हूँ इस ड्रामे की जरूरत पैगी बच्ची की हूँ बच्ची ने लैन दा भी तीह किस्तान से बच्ची दाना ही गवारा की आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा खुदा और मोहब्बत मैं पहले करूंगी फिरोज की तारीफ अल्लाह मैं कहनी हूँ वो बच्चा एक्टिंग का मैं कहनी हूँ किंग वे इतनी शानदार मैं कहती इतनी शानदार फिरोज को 100 चुमिया दूँ वो भी कम है कि बगैर बोले जो सिर्फ अपने चेहरे से करते हैं ना वो मैं कहती हूँ एंड है कोई भी अदाकार करे बोल के तो आप करके कुछ करके खाली चेहरे से अपना सारा कुछ देना बहुत शानदार सुपर अच्छा अब जनाब ये किस शुरू हुई है इसमें अब जो माही साहब को चावल और सूट दे रही थी ना तो जदों वारी आई ना उन्हें फरहाद दी उन्हें चौलों की पुड़ी दी देखा फरहाद वो शर्मिंदगी जी बेहोश हो गई कि मैं साबुन दिता सूट उन्होंने खाली चौल शर्मिंदगी में क्यों हाई उन्हें कहा साबुन दिते सूट उन्होंने खाली चौल दिते शर्मिंदगी ठा करके डिग पी ठा करके जो डिगी थके जावा तो डिगन से वह सीट तो जरा जिनी सट नहीं लगी तो पर ऐसी गहरी बेहोश हुई मेरे अल्लाह जिंदगी च दसो ये जी तैमूर की अम्मी है जवान वह पुत्र मर गया से आम जिंदगी भी और दसो दो दिन वह बच्ची बेहोश रही एड्डी लंबी बेहोश कहीं देखी सुनी हूँ होश ही नहीं आया कि होश क्यों नहीं आया कहती ओ हो फरहाद मलंग बन गया ऐस गाम च कि फरहाद ने दुनियादारी अगे तेरा फरहाद कितने का मलक रियाज का बेटा से जेड़ा तेन बड़ा दुख हो कि फरहाद के बन गया अगे तो तेरा ड्राइवर ही वो तो कुर्सियां ला रहा उसने दुनियादारी छोड़ दी उस जोगी बन गया अच्छा वो जोगी बन गया उत्तों जड़ी यदि माँ मैं दसो इस ड्रामे च कि सदी का ड्रामा दिखाया गया जड़ी बच्ची माही है वो अम्मी आई है कि इज्जत पूरी हो गई अपनी बच्ची लैन वास्ते आई है बच्ची लैन वास्ते आ गई है तो जिन्या सूरत ने नासा फैलाईया मैं कदम नासा टुट के डिगना पैन एक नाथ सीधे डिगे एक नाथ सीधे डिगे और गुस्सा करो बाज ही ना आवे कवे मैं उन्होंने कवे तैमूर की माँ अच्छ मैं तेन कत्ल कराँगी मेरी बच्ची एड्डी भैड़ी हालत तू की तो की किस तरह गुस्सा उस टाइम ड्रामे वाले तो है मर जाने खाना खराब हो दुनिया चांदते चल गई नहीं माही ने अपनी मां कभी फोन ही नहीं किया चार महीनिया अम्मी जान मेरी सासू माँ मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई है अम्मी आप फिक्र ना करें मुझे तो लगता है मेरी माँ ही मिल गई है यानी क्यों दसिया दसना बनता सी ना उन्हें कोई दसिया ही नहीं माँ नासा फुलाई जानी कि मेरी धी इंज तो मेरी धी इंज तो जी फिर वीडी साई है तैमूर की अम्मी तैमूर की अम्मी जिंदा एको मकसद माई नोश नहीं आन लिया कहीं मैं अपने प्रेमी को चली हाँ मलंग बाबे को जिंदगी का सारा ना औरत कहती मैं किस अस्पताल जाना ना मैं नमाज पढ़नी ना मैं घर च कुरान शिव पढ़वाना मैं सिर्फ एको काम करना
आपने जाने से पहले नौकरान भेज दिए जाओ मेरे मलंग को उतो फिर प्यास नहीं बुझी थी फिर आप चल जाती है फिर आपकी कर दी पई है हूँ दसो ड्रामे वाले डायरेक्टर बेटा इद्दत माही की खत्म हुई है तो मूर की अम्मी की नहीं तो मूर की अम्मी का जवान बेटा मरिया है तुम तो इद्दत खत्म करा दी है एडे एडे बटन ला के कभी एड्डी एड्डी वीडी माला पा के एडे एडे प्यारे कपड़े बटन माला है कि तुम वो तैयारी की दा दी वह बच्चा तो हले फौत ही होया पाया तुम एडे एडे वे बटन एडी एडी वीडी माला पा की तुम लो जेब चल गई हो अपने प्रेमी को चल गई मैं तो प्रेमी कहूँगी किसी को नहीं हम सारा बेहोश होश नहीं आन दिया चल गई उस को बाबे को कि मेरी बहू जी होश नहीं आता पाया वो फिर एक कटोरा पानी का डा सारा मंगा है कहता है यह जरा ना तुम अपनी उन्होंने पिलाओ तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी पानी लैके चले ने वो फिर जो नौकरानियां ने वड्डी साई दियाँ फिर वो पैर हाथ ला के गई मलंग 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 बाबा जेड़ा है मलंग बाबा ही है हूँ जी अच्छा उसके बाद हूँ मलंग बाबा क्योंकि कहता ना मैं फरहाद है तो मिलाप कराना मलंग बाबा दूसरे दिन पानी की सराई दे के फरहाद को भेजता कि तू लैके जा माही दे घर नहीं ना किडिया वो चाल से मैं गुस्सा कटिया जड़िया प्लैनिंग तू करना पियाँ फरहाद तो माही के मिलाप दियाँ तो एक बार वो माँ ना भी मुलाकात करवा देता उत्तों मैं डायरैक्टर बेटा तू ए दस जो फरहाद बच्चा है बन गया मलंग वे पहले जो डिगया माही उन्हें चोल दिते डिगया उत्थे उन्हें कुर्ता पाया होर माही के घर पानी देंगे उन्हें कुर्ता पाया और दस कुर्ते कौन सप्लाई करता पाया चिट्टिया शलवारा धोंदा कौन पाया उस बाद जी बच्ची रुमाना है दसो अल्लाह तेरी शान माही की चीज दिखाई है माही ने कहा चला जा रुमाना चली भी गई छड़ गई वो शहर छड़ के चल गई कितने दूसरे शहर चल गई है तो उत्तर फिर उन्हें की किया बेटे राइटर ने उन्होंने दोनों की दिखाया चंदा भी तो वह दोनों एडे वे दर्जन निकलियाँ अच्छा हाँ वो कहती कहती सी ना मैं कपड़े सीवानगी अच्छा। रुमाना कहती चंदा कहती मैं भी कपड़े सी लवानगी मैं भी कपड़े सीने थे वो जी दो दर्जन दोनों अल्लाह जाने पहली बार इतनी सुने तो कोठे से बैठ दियाँ दर्जन भी बन गई अच्छा दर्जन बन गई ने लै फिर तू नहीं फिर मैं की क्या उन्होंने बड़ा पकीजा रिश्ता है हाथ नहीं लाया तक उन्हें सिकंदर साई ने सिर्फ उन्हें गाने सुने नहीं बकवास क्या उन्हें बिच किसने उन्हें कहा दुनिया मोमन वर्गी कुत्ती मने ना मने खल्ला दी शक्ल सिकंदर साई छे बारी नहीं मोमन मानता तो ना मने असी तो जाने सा कि पकीजा रिश्ता सिर्फ मेरा गाना सुन के चल जाता बस इतने साल हो इतने पैसे तो दे लै इन्ना ना किया सिकंदर ने सिकंदर बेटा जे तू बैठा गाने सुनना सी मैं कितने होर क्वार्टर लैता सी बैठ के गाना सुनना चल जाता रही तो बात सिर्फ कोठे दे जे तू कोठे दे रखना सी तो खाली गाना सुनया अरे रुमाना की बकवास थी हूँ अगली एपीसोड देखने की होंगे कि जे हूँ अच्छा पूरी तुम असं एपीसोड इंतजार करने हाए हूँ की कहेगा फरहाद तो माही की की गल होएगी बई अजीम हो तुम अच्छा किया मैंने छोड़ दिया अजीम हो तुम गाना आंदा है मन झूम झूम मन सारा तुम सौ बारी झूमया झुमाया मन झूम झूम जाए मन झूम झूम जाए मन झूम झूम किस गल से जाए वो बेहोश पई है ओदी मुलाकात नहीं सा मन क्यों झूम झूम जाए इसी टॉर्चर से मैंने दवा छोड़ा दोनों को मिला ही नहीं रहे थे इतनी देर से खत्म ही हो रहा है बस एंड पे इतना सा फरहाद आता है फरहाद ऐसे माई को देखता फिर कुछ नहीं कहता फिर उसे ड्रामा खत्म हो गया हर बार तुम इंज करी जाते पे हो कुछ बोल बोल कुछ भी नहीं असं पूरा एक वीक इंतजार करने आए फरहाद की तो माही तो हूँ की गल होगी तुम कोई गल दिखाते नहीं आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की तो पहली सी मोहब्बत इस हफ्ते कैसे रहा पहली सी मोहब्बत पिछली एपिसोड सी मैं आपको चलो फिर नजर नहीं पई होएगी दसो दूसरी एपिसोड भी आ गई ये क्या दिखाया आप लोगों ने जैनब मर गई जैनब की नानी जैनब का एक ही मामू था वो फोत गीते आए थे क्यों ड्रामे वाले ने कुछ क्यों नहीं दिखाया अच्छा अब इस ड्रामे में रक्षी ने अपने बाप की इज्जत इतनी रखी है कोई रख नहीं सकता प्यो दे हले भी चैन नहीं आता पाया मैंने पिछली दफा भी कहा था मैं फिर कह रही हूँ फैजुल्ला ने इतनी गलत हरकत की है कि गलत लफ्ज भी छोटा है कि जैनब बच्ची जो थी तेरे हाथों की खिलाई बच्ची तेरे महल्ले की बच्ची लहदा तेरी बेटी का होने वाला ससुराल लहदा अभी तक इस बात पे है फैजुल्ला कि मेरी धी की शादी उतनी होनी उन्होंने वालों पता नहीं चलता उन्होंने करनी कि नहीं करनी
कि तू फिर किस वजह तो नहीं गया उन्हां दी फौतगी वाले घर, तू ना जनाजे नूं कंधा देण गया ना अफसोस करन गया, ए की दिखाया तुसीं, ए बहुत रोंग सी। फिर वो अब कहती है रखी कि अब्बा मैंने अफसोस करने के लिए जाना है। अब्बा कहता है कि अच्छा अब्बा हुण दसो, बकौल अब्बे दे हले अब्बू जी उत्थे शादी करना चाहते पे ने। जैना उत्थे रखी अफसोस करन जा रही, अब्बू फिर परेशान है फुल, अब्बू की परेशानी मैं समझ नहीं आई। अच्छा बीच में डायरेक्टर ने बड़ा सीन दिखाया, रखी अपने हाथों की ना मेहंदी उतारती है कि हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं फौतगी वाले घर जा रही हूँ तो मेरे हथ मेहंदी किड्डी भैड़ी लगती पी। वो बाद बच्ची को एडा डार्क मेकअप किस तरह करवाता, अफसोस करने जा रही है मेहंदी लाँदी पी है तो मेकअप तुम एडा तेज किस खुशी करवाता, तेज मेकअप करके और जैनब का अफसोस कर चल गई है। अच्छा उसके बाद अब सीन आता है असलम का, असलम बच्चा फुल दुखी हो रहा है अपनी बहन जैनब को याद करके। फिर अपने दोस्त को कहता है कि मुझे ना बाजी की कब्र पे ले जा। अपने दोस्त नाल बाजी की कब्र पर जाता है, उत्थे जाके की होया हुण दोस्त नहीं हैगा वहाँ पे, अब क्या हो गया कब्र पे अकरम मुराद जो जैनब का शोहर था वो ये तीनों होते हैं उत्थे कब्रस्तान में सिकंदर जैनब की कब्र को बैठा पे है। मुझे इतना गलत सीन लगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जैनब मर गई है अल्लाह की इमानत बन गई है, उन बस करो ऐसी जिल्लत सी, एक मरे बंदे की तुम जिल्लत दिखाइए। खाली असलम आ जाता उसको देखता फिर ठीक था, हूँ तुम यह की दिखाया कि उसका जैनब का शोहर भी साथ आया। एक छोटी जी गल है, मैं औरत हाँ मेरा खामद फौत हूँ, मैं अपनी खामद की कब्र तक जानी हाँ उत्थे महबूबा बैठी हो, मैं तो भूल जावांगी मेरा खामद मर है, मैं सारी कब्र ढावगी, एक खुरचा फड़ांगी ढा देवगी कब्र, वो मैं खुरचा मारा उस बुढ़िया सीटें ठा करके औरत हाँ मैं। तुम यह की उसारी मरिए जैनब ने जलील किया कि उसके खामद को पता था सारी जिंदगी जैनब हंसी नहीं, उसके शोहर को पता था कि मेरी बीवी किसी से प्यार करती है। हूँ तुम दसो उस बंदे खामद ने की बीती है कि उसकी बीवी का प्रेमी उसकी बीवी की कब्र से बैठा रोन दिया। बहुत बहुत गलत सीन सी, एडा कि मेनु दुख होया कि तुम मरी हुई जैनब ना उस बेचारी लाश में तुम रोलिया ही है ना कि जरील ही किया। अच्छा फिर वो की कहता पे खामद खामद की कह रहा है अपनी बीवी के महबूब न, कहता मैं ना पहले तुम पे बड़ा रशक करता था कि मैंने पता कि मेरी बुढ़ी तेना प्यार कर दी है, अब मुझे तुम पे तरस आ रहा है। वो तो तरस कहना भाई की बगैरती नहीं सी कि जाने तेरी बीवी ना किड्डा प्यार करता सी कि सारी जिंदगी उन्हें शादी नहीं करवाई, हूँ तेरी बीवी की कब्र से पागल वागू जिंदा लाश बनिया बैठा है। पूरा सीन तुम की मतलब से नहीं खामद तरस ना खाता, खामद बगैर तो भी शर्म इंसान है, तू जा अपनी मेरे मुँह चवा तेरे तक ही बीतनी सी। मैं तुम कहनी भी मैं अपने मैं औरत हाँ मेरे खामद की कब्र बैठी थी, मैं बखना कि क्या जाए कि खामद सी। खामद डिपेंड करता बंदे तो बंदे पे, उसने कहा मारी गई मेरी बीवी अब ना बेटा ना, जड़ियाँ यह जहाँ अगर होंगे ने ना यह मरण के बाद भी नहीं बुझदियाँ, किन्ने किन्ने साल तक नहीं बुझदियाँ, कह जा कि वह मरी होने बेचारी वह मरी कल वेख तो होंगे ना दस क साल होंगे तो फिर कब्र तो देखता, तो मैं तो दस साल बाद नहीं छड़ना अपने बंदे मैं तो दस साल बाद नहीं माफ करना जी मेरे बंदे की कब्र तो कि मैं बूबा बैठी होती कि मैं तेरी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी तेरी कब्र के कोल मैं बूबा को बैठी भी, तो कह जा कि वो बंदा दूसरे दिन ही आया तो कब्र के कोल वो बैठा गया। और की बात है आगे बढ़े और की बहुत आगे बढ़े, हूँ पता नहीं जरा सिकंदर बच्चा है उन्हें बड़ी शानदार एक्टिंग की, मैं पिछली दफा भी कहा था अब पता नहीं वो मर गया कि क्या वो गिरा है आप पता चलेगा। आगे बढ़े पे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे अगले बात के बदेगा, पहले मैं कहना चाहनी हूँ जेड़ा वो अब्बा है मैं वो बिद बहुत बिस्सी करना चाहनी हूँ रखी का अब्बा, रखी का अब्बा की कहता है कहना कि बेटियों से प्यारी इज्जत होती है, बिल्कुल गलत गल है, सोचो पांच हो गए जिन्होंने इज्जत प्यारी होगी पचानवे मैं अपनी अखा ना देखे ने बाप जेड़े अपनी बेटियां जी उन्होंने जान होंगी है, हूँ तो बेटी को इज्जत इज्जत किन्नी की इज्जत चाहना है, तेरी खातर सिकंदर के नाल ब्याह करान लगी सी ना बच्ची होर तू की चाहना पे है, तेरा लफ्ज ड्रामे का चाहिए सी ना रख दें पहली सी मुहब्बत ने इज्जत रख दें फिर सही सी चल लगे। आई थिंक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है हम कहाँ के सच्चे थे, तो वो इस हफ्ते कैसा लगा मैं आपको हम कहाँ के सच्चे।
सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे, ड्रामा या अल्लाह, ड्रामा बहुत अच्छा है, हमारी जिंदगी अजाब करती क्यों? मोमिन सोते जागते उठते बैठते आते जाते उसका गाना गाता रहता है, हर वक्त तारीफ है, कितना अच्छा ड्रामा, अल्लाह लादा का चंगा ड्रामा दुनिया च बनया ही नहीं, बस हम कहाँ के सच्चे। एक ड्रामा है ये बहुत अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं दुख है इस बात का कि लास्ट वीक हमने शो अपना रिकॉर्ड किया, एपिसोड लगी संडे को, थोड़ी देर बाद हमने शो रिकॉर्ड किया, तो मैं रात को सोया, फिर सुबह उठा, तब तक मैं ड्रामे की खूबसूरती को जरा और अंदर समेट चुका था, मुझे दुख हुआ कि मैं खुल के तारीफ नहीं कर सका ड्रामे की अपने शो में, और जो उसकी ओएसटी है, मैं इतने कमाल की ओएसटी है, आप भी अग्री करोगे मुझसे, और जो कहानी भी है हमारे मार्च में, अच्छा मैं कुछ भी नहीं, जब मैं बोलता हूँ मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती, नहीं तेरिया तारीफा असी की रिएक्ट करिए, असी पूरा तेजाब से है कि तू हूं कोई गल नहीं करता, बस ऐसा ड्रामे तारीफा तो कहानी भी है, बच्चों को कैसे बड़े, मतलब डिफरेंट एक फ्रेश कहानी है, अच्छी परफॉर्मेंसेस है, एक पूरा पैकेज है भाई, मैं तो उसको बहुत 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 एंजॉय कर रहा हूं। नहीं मजे का ड्रामा मैंने कब कहा है मजे का नहीं है, पर बीच में कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत गलत लगी। जैसे कि पहली बात तो ये, जो बच्ची महरीन है एक दो दिन की बात नहीं है, बच्ची अपनी मां नू नहीं बुला रही, ठीक है, अपनी भैणा नू मुंह नहीं ला रही, ठीक है, एक दो दिन दी गल है कि जदों बंदा गुस्सा उठा देता है तो सारी जिंदगी दी गल, बिल्कुल आम जिंदगी में इस तरह हो ही नहीं सकता, ऊपर से जब बच्ची, आप क्या कहना चाह रही हो, हैं आप कहना चाह रही हो गुस्सा क्यों दिखा रही मां को, गुस्सा दिखावे वो तो बिल्कुल समझो कट ऑफ है, मां ना गल करना पसंद करती नहीं, मां दी शक्ल देखना पसंद करती नहीं, अब उन्हें बाद में टोका तो इसका साथ जो मुझे बाद जहां पे याद आती इसी के साथ आ गई बात, बच्ची महरीन अपने बाप से प्यार करती है, ठीक है, हालांकि बाप से प्यार करती है, बाप नशा करता था, बाप को शहीद नहीं होया सी, यानी इस कहने का मतलब ये है कि जो नशा करते हैं वो अपनी औलाद के लिए अपनी इस चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करें कि हम नशा करते हैं हम मर जाएंगे हमारे बच्चों का क्या बनेगा, महरीन बच्ची अपने बाप ना प्यार कर दी पई है हले तक, ठीक है, कर ठीक है, अपनी माँ को इतनी नफरत क्यों करनी पड़ी, क्यों ना करे, क्यों ना करे, क्यों ना करे, क्यों ना करे, माँ ने शादी के लिए, चलो वो एक अलग डिबेट है, शादी इसको बिल्कुल नहीं करना, डूब के मार दिया बगैर मेरी पूरी गाल सुन, बेशरम इंसान है, इस वाली एपिसोड की दिखाया है, या एक ड्रामा था मुझे अब याद नहीं है, उसमें ये था कि माँ शादी कर लेती है तो बच्ची को ना भूल सी जाती है दुनिया बखेड़ों में, उसकी सालगिरह का कुछ चीज का, इस एपिसोड में हमें दिखाया है माँ रोंदी पई है अपनी माँ को कि अम्मी चुड़ेले अम्मी मेरा ब्याह क्यों किया, अम्मी मैं ब्याह नहीं करवाना चाहती सी, हाय मेरी बच्ची इग्नोर हो गई, हाय मेरी बच्ची दुखी हो रही है, माँ कहती नहीं शुक्रिया कुत्तिए हूं तेरा जो घर सारा कुछ होना सी होना सी, यानी वो माँ बेचारी ने मजबूरन शादी करवाई है, और पछतावा हो क्या जब चिड़िया चोड़िया चोड़िया चिड़िया चुगेंगे, क्या जावे दुनिया में 100 में से 95% जब इस तरह बच्ची होती है माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, होंगी है शादी, एक उस बच्ची बेचारी ने कोई नोखा काम नहीं कर लिया महरीन की माँ ने, जिड्डी नफरत तो मेरी इसको इग्नोर क्यों किया, बिल्कुल ही इग्नोर किया किता ने, वो तो बेचारी ए मुंह नहीं लाती पई, यही तो गलत दिखाया है, हमें कहानी आगे खुलेगी, चाहिए था हमें दिखाते कि महरीन की माँ ना महरीन को भूल सी गई है, जिसने एक ड्रामे च मैं देखा सी, फिर महरीन ने कर दी चंगी लगती माँ तो भूली नहीं, अभी हमें पता ही नहीं, बताएंगे ना आगे जाके भूली नहीं भूली, अभी क्या बता आपको, अभी दिखाया उन्होंने कुछ, ये तो ड्रामे का मजा है कि फ्लैशबैक चल रही है कहानी थोड़ी, वो भी आगे बढ़ेगी, चल जा तो मैं महरीन जेड़ी दिखाई है, महरीन तो सुपरमैन दिखाई, क्यों मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी बंदा हो 100 में से 1 भी नहीं मैं कमांगी एंजॉय का, इंसान कहते हैं कि जिंदगी में कोई दोस्त कोई कजन कोई बहन कोई भाई मियाँ कोई रिश्ता ऐसा सच्चा होना चाहिए जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सके, एग्री करना बिल्कुल, ते जेड़ी महरीन है ना नानी ना बने ना मां ना बने ना सतेलियां भैणा ना ना कजन मशल ना ना मामू मामी, दुनिया के किसी बंदे ना कोई लिंक नहीं है, सब नु ची ची बोटी करना चाहती ते तेरी दोस्त जेड़ी एड्डी चंगी एड्डी मुखलस उन भी कोई गल नहीं दसदी, ए किथे दी सुपरमैन वे, दिल फट जाएगा इंसान, मैं कहनी हां जब तक अपनी बातें किसी से शेयर अपने प्यारे से नहीं कर लेता दिल फट जाता है, दोस्त कहती है तेरी आंखें रोई लग रही है, यानी दोस्त नू कुछ नहीं दसदी पई ये तो जी मेरे घर दे हालात की ने एडी सुपरमैन के हुंदा, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को बताता है, कुछ ज्यादा होते हैं इससे कुछ कम होते हैं, दसो क्यों नहीं दोस्त नू दसदी पई, अच्छा दोस्त नू दसदी पई उत्तम इस गल का जवाब दे तेरे अच्छे खूबसूरत ड्रामे का,
ਅਸਫਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਫਤ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਿਰੀਨ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਏ ਕਿ ਅਸਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿਰੀਨ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਅਸਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੱਟਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2021 ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸਫਤ ਤੇ ਮਹਿਰੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੈਂਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਅਸਫਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮਹਿਰੀਨ ਔਰ ਅਸਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਾ ਇਹ ਆਪਕਾ ਬੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬ ਸੇ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਕੇ ਬੌਂਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੋ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਵੋ ਅਭੀ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਨਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਮੇਂ ਆਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੋ ਨਿਕਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਸੇ ਹੋਤਾ ਹੋਗਾ, ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਵੋ ਉਸਕਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋ ਆਇਆਗਾ ਵਾਪਸ, ਆਓ ਚਲੋ ਖੇਲਤੇ ਹੈਂ, ਯੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਪ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਵੋ ਇਸੇ ਥੋੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਵਾਬ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਖਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਚੁੜੇਲ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਮਮਾਨੀ ਚੁੜੇਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਖਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਖਾਲੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲੂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਾਲਾ ਕੱਲੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਖਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਂਜੀਆਂ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਦੁਖੀ ਭਾਂਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ। ਉੱਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਫਤ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਛਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਬਦਕਮਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਫਤ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਪਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਛਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਫਤ ਪੇ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿਰੀਨ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਅਸਫਤ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰੀਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਫ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਬਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪ ਉਸਕੇ ਜ਼ੂਮ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈਂਸ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਗਨਮ ਗਲਾਸ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਟੇੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੋ ਮਾਮੂ ਮਮਾਨੀ, ਹਾਂ ਮਾਮੂ ਮਮਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਲਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਛੱਬੋ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਛੱਬੋ ਕੋ ਕਹਾ ਹੋਇਆ, ਛੱਬੋ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਲਰਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਖਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭੇ। ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰੀ ਆਪ, ਘਰ ਮੇਂ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀ ਜੋ ਸਰ ਬਣਾਏ ਘਰ ਕੀ ਵੋ ਉਸਕੋ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ ਕਬ ਬੰਦੇ ਕਿਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕੇਲੀ ਵੋ ਪੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਵੋ ਬਸ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਬਸ। ਛੱਡੇ ਪੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਓਡੀ ਟੌਪਰ ਬੱਚੀ ਪਾਈ, ਉਸਸੇ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਘਰ ਮੇਂ, ਸਭ ਉਸਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਖਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਲਾ ਨੇ ਖਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਥੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਲਾ ਨੇ ਅਸਫਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਅਸਫਤ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਤੇ ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਾ ਅਸਫਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਖਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲਕਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਡਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਦ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਵਲ ਆਪ ਬਣਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਡਈ, ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਡਈ, ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਤੇ ਬਸ, ਕਦਰੇ ਦਿਖਾਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਹਾਂ ਟੂ ਟੂ ਟੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਕੀ, ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹਰਹਾਲ
ठीक है, अच्छा भी कुछ बोलो ड्रामे के, कुछ अच्छे वाले बोलो। मुझे बहुत हाँ। मजे का ड्रामा लगा, मैं कह तो रही हूँ जो आप बीच में चीज लगते हैं वो तो चलो ऐसे मैं फनी वे में कह दिया। मैं पता ऑन द होल मैं कहना चाहूंगा ड्रामा एक बहुत अच्छा ड्रामा है। आई एग्री बीच में मसले मसाइल थोड़े बहुत होते हैं अगर आप कहानी की गहराई में जाओ, बट ऑन द होल एक अच्छी पेशकश है, है ना अम्मा। आगे बढ़े फिर, इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है डीवीएस मेड्स। मैं हैरान हूँ मैंने पहले इसको रिकमेंड क्यों नहीं किया। बेसिकली डेस्परेट हाउसेस मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट शोज है और मैं उसको अक्सर जिक्र करता हूँ इस शो में, क्योंकि वो बहुत ही एक घरेलू कहानी है, औरतें हैं, उनके खावंद हैं, जैसे हमारे ड्रामे अमूमन तौर पर होते हैं, लेकिन वो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग है। तो उन्हीं के क्रिएटर हैं मार्क चेरी उसी शो के, उन्होंने बनाया डीवीएस मेड्स, जैसे के नाम है डीवीएस मेड्स। चार मेड्स हैं, बहुत अमीर घरों में काम करती हैं वो, और वैसे जैसे डेस्परेट हाउसेस की जो एक दुनिया थी, जो एक स्टोरी टेलिंग का तरीका था, उस तरह कॉमेडी भी है, मिस्ट्री भी है, अच्छी कहानी है, अच्छे किरदार हैं, और बहुत ही एक यू नो एक थ्रिल वाला एलिमेंट भी है। चार इसके सीजन है, अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया था ड्रामा एंड पे जाके, तो एक वो स्पॉइलर एक क्लिफ हैंगर रह गया था सीजन फोर के एंड पे, बट आप इसको सीजन फोर तक आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। और ये है जी आज की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं भी चीखने से मजबूर हो गया, बैल की बजाओ डंडा फड़ो तो बैला बजाओ, जाके बैल तोड़ दो, ऐ की किता तुसी साडे वजन नहीं डे हो, बढ़ जाएंगे अम्मा की दो जल्द जब आप बिग बॉस का रिव्यू करोगी। बिग बॉस अभी लगने वाला, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो मैं जरा जाके हम बिग बॉस देखेंगे। तो खैर आप देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।